Asalaamu Alaikum, welcome back to another episode of Kakai Qazi. My guest today was Mohammad Jibran Nasser, a politician, activist, lawyer. We get to speaking about what it is that plagues the societal psyche in Karachi, in Pakistan, and how he proposes we should fix it. Enjoy. 3, 2, 1, Alaikum. आप ठीक ठाक इसमें लतीफ़ा तो मैंने कोई नहीं सुनाज यू टर्न यू फ्लिप दी बिल्कुल हम इसी तरह गुस्सा कर रहे थे आप लेकिन अगर... अब इतने से कर रहे आपने अभी फिर से सलाम नहीं किया नहीं, नहीं, आप, सलाम तो चुकी हम इस वक्त आपकी तबस्तु से आपकी ऑडियंस को कर रहे हैं सही बात है सही बात है सही बात है क्या कर रहे हो क्या हो रहा है

you are um, a professionally skilled trained person you could go and make money doing anything you could work anywhere matlab why why do politics or so, why why get into this stuff do you not feel hopeless do you not yeah see, सही। देखो मैं अपनी एम्बुलेंस में घूमता हूँ मेरे पास प्राइवेट गाड़ी भी नहीं है देखो मेरे पास ये दो जोड़ी कपड़े हैं जिस तरह हमारे यहाँ फ़ौर ख़बर लगती है ना कि वजी अजम हाउस में नहीं मिलटरी सेक्रेटरी के, के कमरे में रह रहे हैं बग़ैर सिक्योरिटी के ख़ुद गाड़ी चला रहे हैं ये बड़े बड़े सियासतदान शख्सियत में वजन नहीं होता तो खबरें लगवाते हैं सही वरना जिन लोगों ने वाकई में दरवेशों वाली मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी उन्होंने कभी रोना नहीं रोया ये एक इसको आम जबान में ख़ानदानी रवैया भी कहते हैं इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इंटेग्रिटी होती है ठीक है तो आई इन्जॉय द वर्क आई डू आई डोंट क्राई फाउल अबाउट इट कि इसकी वजह से जो भी माली परेशानियाँ या सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल या कोई और भी आपको एक इमोशनल हरासमेंट या रेडिक्यूल फेस करना पड़े बट डेट्स पार्ट ऑफ द गेम मैं ये कई सालों से बात कर रहा हूँ कि हलवाई की दुकान में जाके आप बोलें कि अरे यहाँ तो सब मीठा है और मुझे डायबिटीज़ है सही <laughs> तो आप पहले से देख के जाएं कि शुगर फ्री कोई चीज़ मेन्यू पे है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते मुझे फ़ोर्स करके खिला रहे हैं देखें मेरी शुगर भी हाई हो रही है ऐसा तो नहीं आप कह सकते हैं तो आ, मुझे किसी ने पाबंद नहीं किया यह काम करने पे मैं बासी नौकरी ये काम नहीं करता मेरा पेशा जरिया माश का कमाने का तरीका मेरी वकालत है जो मैं कर रहा हूँ और बाकी चीज़ों के लिए जिस तरह लोग वक्त निकालते हैं कोई गोल्फ खेलता है कोई स्कॉश खेलता है कोई हॉर्स राइडिंग करता है कोई जिमिंग करता है कोई बुक्स क्लब में ज्वाइन करता है कोई डांस क्लासेस में जाता है कोई योगा करता है सब चीज़ों के लिए लोग लि� वक्त निकालते हैं और हर इंसान अपनी जहनी सकून को तलाश कर रहा है Sorry. मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जो काम करते हैं वो कम अच्छा और काम करते हैं बुरा मैं जो मेरे पास जो वक्त मिलता है मैं इन चीज़ों पर सर्फ करता हूँ जो चीज़ें मुझे जहनी तौर पर बॉदर करती हैं शायद मुझे मेरा वजन इतना बॉदर नहीं कर रहा जो कि करना चाहिए fine, नहीं नहीं शलवार कमीज में छुप जाता है बहुत कुछ ना बट uh, मुझे ये चीज़ें बॉदर करती हैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना ये भी करना चाहिए बट शायद बट आई डोंट कंप्लेंट और देखें आप किसी के काम आ सकें या किसी का दुख दर्द बाँट सकें इससे ज़्यादा तो कोई हाई नहीं है एंड दिस इज अ ब्लेसिंग ऑन यू ब्लेसिंग तो देखें ये मैं नहीं क्लेम करता ना वो अल्लाह के मामला अल्लाह पे छोड़ दें बल में नहीं। नहीं। आ, मगर लोग हाई ढूंढ रहे हैं ना अमीर आदमी ख़ुदकुशी कर रहा है क्योंकि उसको एक हाई नहीं मिल रहा एक हाई से मुरादर है जहनी कल्बी सकून इतमान जहनी कलवी जिसमानी रूहानी तमाम तरह इतमान मुझे इस काम में मिलता है तो मैं बहुत मज़े की नींद रात को सोता हूँ और बग़ैर अपने ज़मीर पे बोझ के सोता हूँ कि मैंने किसी का हक मारा है किसी से चोरी की है कोई झूठ बोला है बहुतान लगाया है गैर ज़रूरी बात की है नहीं नहीं, नहीं आग, तो, तो ना था ना था। ये नहीं मैं अपने आपसे पूछता हूँ और uh, मेरे अंदर खराबी है मेरे करीबी सारे तो दोस्त जानते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और उससे मैं आपको पता है इंसान हमेशा रीज़नेबल होता है रीजनेबल गुस्सा होता ही नहीं है आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू अपोलोजाइज बट डज नॉट मीन आई शुड कंटिन्यू टू बी एंग्री वो इसीलिए बिकॉज आई लाइक टू हैव कन्वर्जेशन विद मी एवरी नाइट माई सेल्फ आई थिंक पीपल शुड डू बिफोर स्लीपिंग के आज क्या गुल खिलाएं क्योंकि इसमें आपका aggarab they came in terms of uh, the animal kingdom because we are animals. yeah, ashraf al-maklukatam kumyem. yeah, ashraf al-maklukatam kumyem. kumyem, the makdiya, yeah, the makdiya, because like we have natures, we want to procreate, we want to eat, <laughs> we want to procreate, we want to eat, and we want to protect ourselves. janwaro have these natures but there's another faculty that we have that animals don't have, that animals don't have, and that is uh, to.

उसको एक घंटे की जो हकीकी मायनों में उस्ताद होता है उसे एक घंटे की क्लास लेने की जरूरत नहीं होती ना साल पढ़ाने की ज़रूरत होती है वो आपको दो सेकंड के अंदर भी ऐसा एक सबक सिखा जाता है कि सीनियर ऑफ है मैं जब मैं शुरू में करूँगा इंट्रैक्शन से फिर मैं आऊँगा उनकी बात पर सही कि ये कुछ ऐसा पहले की बात है ये गवर्नर हाउस में कोई लिटरली फेस्टिवल शायद शायदादा फेस्टिवल ऐसा कुछ हो रहा था ठीक है वहाँ पे स्पीकर था तो वो पीछे स्टेज के वो ग्रीन रूम एरिया होता है जहाँ सारे स्पीकर्स होते हैं खातून नहीं मेरे पास और मुझे उन्होंने सलाम किया तो मैं ना इस प्रोटोकॉल के अंदर के यहाँ पे जो भी हैं वो कोई ना किसी तारफ़ की वजह से आए हैं तो सारी हैं तो मैंने कहा जी सामक तो उन्होंने कुल का कुल, कुल रिलैक्स होकर मुझे कहा कि मुझे पता है आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपसे मिलने आई हूँ चूंकि मैं आपको जानती हूँ और उन्होंने कुछ तारीफ़ी कलम कहे और नाम मैंने उनसे मतलब कि उन्होंने खुद ही बता दिया या साथ में कोई खड़ा था उन्होंने बता दिया तो मैंने नाम सुना हुआ था फिर उसके बाद मैंने उस मोमेंट के बाद जाके उनको सर्च भी किया उनकी तहरीर भी पर जो मिल सकी कुछ वीडियोस उनके कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन डिस्कशंस पैनल की ना ऑनलाइन में अवेलेबल टेलीविजन पे पर इंटरव्यू दिया उन्होंने सुना कर। और मुझे एहसास हुआ यार कि कितना कंफर्टेबल है कोई इंसान इतना जहन इतनी सलाहियत इतनी इज्जत रखने के बावजूद कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने से आदी से बच्चे से बात कोई कर रहा है और उसको इतनी इज़्ज़त दे के चली गई तो ये ह्यूमिलिटी है ना मतलब कि आप सीखें उस इंसान से कि कितना कंफर्टेबल है वो अपनी स्किन के अंदर ये एक powerful. और जो इंसान इल्म से भरा हुआ होता है ना वो 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 उसको इसिक्योरिटी के नहीं होती है कि छोटी छोटी कि मुझे कोई नहीं जानता <laughs> अच्छा आप इस बात पर आ जाते हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था कि जो सफ़र है ना आदमी से इंसान तक का उस सफ़र के बीच में जो जहराह है जो रास्ता है वो किताब है इल्म है ठीक है चूँकि आदमी जो है एक मादी वजूद है एक वजूद yes, है, yes, जैसे yes, कि yes. जानवर है सही? उसकी है, सही? जो है, एक oh, है? Awesome. उसमें सोशल वैल्यूज आ जाती है ह्यूमन वैल्यूज आ जाती हैं रिलीज वैल्यूज आ जाती हैं रिलीजियस वैल्यूज आ जाती है ये ऐसा साथ आ जाते हैं ना वैल्यू से मुराद के सही फर्क नजर आ जाता है तो इंसान जो है वो एक अखलाकी वजूद है और वो जो एक मटीरियल वजूद है तो उसके अंदर जो आप एक वैल्यू सिस्टम करते हैं वो किताब वो इल्म के ज़रिए होती है और वो किताब जो है वो आ, खुदा की किताब भी हो सकती है और वो दुनिया के किसी इल्म की भी हो सकती है कि कोई बंदे ने तजुबा किया उसकी रोशनी में लिखी सही या वो किताब एक विजन के बारे में हो सकती है आ, वो डेस्टोपिया हो या यूटोपिया हो सही कोई महालती हो तो यूँ हो जाएगा तो ये मेरे ख़्याल के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि हमें बतौर और देखें सिर्फ हम फेसबुक पे हैं तो उसका मतलब नहीं है हमें एल किताब पढ़ ली है किताब से मौजूद जो है ना बस बुनियादी चीज़ के देखें हम बात कर रहे हैं फैक्चुअल ट्रुथ की यस yes. सही है yes. आप ये बहस कर सकते हैं कि ये चाय मीठी है और मैं ये बहस कर सकता हूँ कि ये चाय फीकी है दो मगर इसके अंदर एक टेस्ट करके बताया जा सकता है कि जितनी चाय है उसका कितना परसेंटेज शुगर है ठीक ठीक है ठीक है वो एक इल्मी बात हो गई है ना सही, वो फैक्चुअल सही. ट्रुथ yes, yes. है हमारी जो पोलराइजेशन है हमारी जो लड़ाइयाँ हैं हमारा जो है क्यों बना रहे तो कोई इशू नहीं है, सही, है।, सही. है। हर इशू जो मैं उठाता हूँ वो लोगों के लिए ये भी बहस है ना Absolutely. तो ये, ये बहस ही इसलिए है क्योंकि के हम किसी बेसिक बुनियादी फंडामेंटल ट्रुथ पे एग्री करने को तैयार ही नहीं है और हम अपना सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खेल रहे हैं. है. So हमारे माशरे के अंदर एरोड हो गई है वॉट इज रूल ऑफ लॉ एब्रैक्ट वट इज लॉ एंड ऑर्डर वॉट इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन इंस्टीट्यूशन वट इज डेमोक्रेसी नेसेसिटी <laughs> सही इसकी कोई एक स्पेसिफिक चीज़ लिखी हुई नहीं जबकि आइन है हमारे पास हाँ सही हा, है मगर है। वो भी उसको उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता यार कि देखो ये जो है ना ये राइट और रॉन्ग क्लियर है इसके अलावा हम मज़ीद चीज़ों पे बात कर सकते हैं मगर हम तो लड़ रहे हैं बेसिक फंडामेंटल्स पे हाल ये है हमारी माशरे की और जहनी और हमारे वजूद की पासमंदगी का कि इक्कीसवीं सदी के काजी अकबर और जबरान नासिर अट्ठारहवीं सदी के मसले में मुब्तला हैं कि गटर उबल रहा है बारिश हो रही है गटर उबल रहा है इक्कीसवीं सदी में हमारे अट्ठारहवीं सदी के मसाइल नहीं होने चाहिए थे नहीं हम आज तक इस बात पर कानून साजी नहीं कर सक रहे कि भाई ये ट्रैफ़िक को कैसे इन्फोर्स कराया जाए और ट्रैफ़िक के जो कवानीन जो है ख़िलाफ़ वर्जी होती है कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसकी पकड़ धकड़ का तरीका क्या होना चाहिए सही पानी की टैंकर की चोरी पानी की लाइनें कैसे डाली जाए ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मसला नहीं है पाकिस्तान में मसला है कराची में कि पानी की लाइनें डाली जाएँ और कैसे डाली जाए सही है तो आप।, आप इन चीज़ों को सोचें कि जो असल डिबेट होती है जो असल कानून साजी होती है बेहतर से बेहतर जिंदगी के लिए जो डिबेट होती है अबाउट सिविल लिबर्टीज़ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड ऑल ऑफ दैट वहाँ तक तो हम पहुँचेंगे नहीं ना नहीं नहीं सर, नहीं सर वे नॉट और वहाँ अगर हम पहुँचते भी है ना तो सिर्फ वो आग लगाने वाली गुफ्तु जो साल में दो बार होती है तेईस मार्च को और चौदह अगस्त को टी वी पर कहा जा कैसा पाकिस्तान चाहते थे

तो मतलब वही वाली बात है ना इफ एड की बात है जी हाँ इफ ए कंडक्टरी मोरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरी वी नीड टू बी फेड फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर कि रोड चल रहे हैं आप यहाँ पहुंच सकते हो मैं आपके पास आ सकता हूँ फिर गुफ्तु होगी तो इट इज इट इज अ डिफिकल्ट थिंग बट जब मैम ठीक है ना यू आर डूइंग दिस थिंग एंड एंड नाउ यू सेट दैट यू एंजॉय डूइंग दिस थिंग दिसंग नोट नॉट नॉट यू नेवर कंप्लेन अबाउट इट वाई डू यू थिंक इज सच अ फ्रैक्चर इन आर साइकी इन आर मुआरा even just in the youth because you're not that much older than me hmm. right and i uh, absolutely consider you a role model and all those things and i am you're very inspirational like <laughs> uh, uh, i've never once said that cholo per maybe jibran by and, <laughs> and, I, I, ha, nahin, main, and th this is a simplification i understand it a person सर बंदा जो अफरीदी का फैन है वही तो नहीं कह रहा ना कि मैं प्रोफेशनल बैट्समैन बनना चाहता हूँ लेकिन हर हर किसी को 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 प्रोफेशनल प्रोफेशनल बैट्समैन बैट्समैन की तो जरूरत 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 देखो टीम को को टीम है है इसी तरह माशरे के अंदर आ, एक्टिव सोसाइटी की भी जरूरत होती है एक्टिव की भी जरूरत होती है अच्छी पोलिटिकल पार्टीज की भी जरूरत होती है वॉच डॉग्स और प्रेशर ग्रुप्स की भी जरूरत होती है मगर जरूरी नहीं कि आप आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करें पसंद करें जरूरी नहीं कि आपने लिए वो आप रास्ता अपनाना चाहते हो हमें सबको पता है कि डॉक्टर अजीब रजीब एक कौमी असाशाह है मगर हम सारे डॉक्टर नहीं बनना चाहते भाई सही है सही? हम सारे जाके खराती अस्पताल नहीं चलाना चाहते मगर अच्छे को हम अच्छा कह सकते हैं और अभी तो सब्जेक्टिव बात की आपको मैं अच्छा लगा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आपको उस कैटेगरी में डाल रहा हूँ कि जहाँ पे माशा बहुत सारे लोग हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं बट तो ये बहुत मख्तल चीज़ें मगर हाँ जो बंदा सियासी सियासत में आना चाहता है वो चाहे मेरे साथ आए या किसी और पार्टी को ज्वाइन करे आ, इन वैल्यूज़ को लेके चले आ, अगर वो समझता है अगर वो मुझसे मुतासर है जिन वैल्यूज़ को मैं लेके चल रहा हूँ देखिए मैंने तो आज तक कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया नहीं एम पी एम एन ए तो नहीं बना तो मुझ पर कोई जिम्मेदारी आईनी कानूनी तो आयद नहीं हुई मगर दो हज़ार तेरह से जब से मैं पॉलिटिकली एंगेज कर रहा हूँ लोगों से इलेक्शन लड़ने के बाद से कोई यही दिखा दे कि मैंने किसी कमेंट के अंदर बंदे को शटअप भी लिखा हो गाली तो दूर की बात है सही और फिर आप सर्च करें डिक्शनरी खोल के ऐसी कौन सी गाली है ऐसा कौन सा इल्ज़ाम है जो मुझे नहीं पड़ा तो जब मैं देखता हूँ ना कि बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं जो सियासतदान ख़ास तौर पर जो ऑफिश होल्ड करते हैं और उस मेयार से गिरी हुई बात करते तो मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा प्रेशर है भाई हमने तो शटअप तक नहीं कहा आज तक क्यों चूँकि देखिए एक्टिवज़्म जो है ना एक टर्म है

आप जब भी किसी एक अच्छे अफ़सर को जहन में लाएंगे पुलिस अफसर को तो आपके जहन में एक ऑनेस्टी सब कॉन्शियस हाँ, में होगी किसी को ऑनस्ट होगा प्रॉपर हाँ तो मैं क्यों ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर समझ रूप कि मुझे किसी ने कहा नहीं और अगर मैं किसी को शटअप लिख भी दूंगा या कोई जुगत लगा भी दूंगा तो लोग बोलेंगे ओ वाह इज़ ऑन फायर ये भी सपोर्ट होता कि क्या ही देंगे ना चढ़ाने वाले भी मुझे होंगे गैर मेरी गुफगू को भी सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं लोग मजे लेते इन चीज़ों के सही 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 क्यों आपको अपने सा एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए भाई कि आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ में जिस भी शोबे में आप जा रहे हैं पॉजिटिव हो कंस्ट्रक्टिव हो आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आर्गुमेंट नहीं कर रहे आप मज़ीद कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करने के लिए माशरे में दूसरे तबके को तपाने के लिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए पोलराइजेशन के लिए मतलब कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है सियासत में भी हर चीज़ में भी प्रीचिंग टू द क्वायर मैं तो नहीं चाहता जी कि मैं हर साल उन्हीं तीन कॉन्फ्रेंसिस में जो एक एक मखसूस होटल में होती हैं जिसमें वही एक मखसूस हॉल होता है जिसमें मखसूस पाँच सौ लोग ही आते हैं और उन्हीं से हर साल तालियाँ लेते रहूँ और चला जाऊँ खुश हूँ वो भी मैंने बड़ा काम कर लिया यू टू बी एन नहीं एक्चर से भी हट के भाई आप अगर माशरे की फ़लाह का कोई भी काम कर रहे हैं चैरिटी के ज़रिए काम कर रहे हैं एक्टिविज़म के जरिए काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स के ज़रिए काम कर रहे हैं वकालत के ज़रिए काम कर रहे हैं सहाफत के ज़रिए काम कर रहे हैं योर ऑडियंस ऑलवेज़ नंबर वन इज़ द ऑडियंस विच यू है ये काम है दावत का ये काम है अच्छाई आम फला का काम करे ना सही, 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 सही। बढ़ाने का जो आपको नहीं सुन रहा वो आपको सुने जो नहीं बदल रहा वो बदले जो नहीं माइल इंस्पायर हो रहा वो इंस्पायर हो हम उल्टा क्या करते हैं तुम भी बेवकूफ़ और डफर और तुम्हारे मानने वाले भी बेकूफ़ा डफ़र सही यस सहीस और येस, येस, हम अपना काफिला लेके डेढ़ की मस्जिद बना के खुश हैं जी ये कोई यार अजीब बात है आपका तो काम ये होना है चाहिए है कि अगर नहीं मौका मिला उस यूथ को जो किसी अपोजिट व्यू पे खड़ी है एक दूसरा व्यू सुनने का तो आप वो मीडिया मन सकें आपकी शख्सियत में इतना सब्र हो इतना खलूस हो इतना तहमल हो कि वो आप वो बात कम्युनिकेट कर सकें और शायद उनमें वो बदलने का इम्कान हो हिदायत तो खुदा ने लिखी है नसीब के अंदर नहीं ना हम क्यों डे ऑफ जजमेंट से पहले जो है वो काजी बन जाते हैं साहब सर नहीं जबरान भाई दैर इज सो प्रोफाउंड ना कि देर इज एन इनहेरेंट इंटाइटलमेंट इन हाउ वी बिहेव हाउ वी ऑपरेट इसको फॉल्स डॉटमी बोलते हैं कि आप मैंने आपसे सवाल पूछा कि यार आर यू सॉरी दिस आर यू आई एम लाइक जबरान भाई आर यू स्टूपिड और मतलब इस सवाल का ये फॉल्स डॉटमी ऐसे है कि भाई आई दर यू अग्री विद मी और यू आर स्टूपिड द वर्ल्ड कै नॉट बी अ थर्ड वे एंड आप ये जो डिस्क्राइब कर रहे हो ज़्यादातर ऐसा ही होता है एंड ऑब्वियसली वी आर वी आर ऑपरेटिंग इन सच एर मैं आपको आज का एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक ट्वीट लिख रहा था मुझे लगा मैंने बहुत वाज की है क्लियरली सही वही बात आ, नीचे एक तनकीद में किसी ने लिखी कि भाई ये तो यू नहीं यू है अच्छा तो मेरा दिल चाह कि मैं लिखूँ कि डू यू हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश Hmm. मैंने बड़ा वाजे से एक बात लिखी है hmm. और मैं शायद जस्टिफाइड होता है ये लिखने में क्योंकि मैंने एग्जैक्टली exactly वही बात ऊपर लिखी थी जो वो नीचे मिस इंटरप्रेट करके लिख रही हैं मेरा Sorry. वही सेम पॉइंट था Sorry. मगर वो क्या है वो एक बार मैंने चीज़ एक चीज़ पढ़ी मेरे अंदर एक सडनी डिरेक्शन है फिर मैंने कहा यार के फजूल के अंदर एक बंदे से आपका इंट्रैक्शन अगर है थोड़ा बहुत ट्विटर पर आप एक सस्ता सा कॉमेंट करके चार लाइक्स ही लिख क्यों रखें मैंने वही बात दोबारा से एक्सप्लेन करके सवाल किया कि अब आप मुझे बताएं वे डू यू एंड आई डिस ताकि उसका वो आंसर हो सके किय भी भी ये नहीं कहा कि आप गलत हैं आपको पढ़ना नहीं आता या आपने गलती की बात तब भी कम्युनिकेट हो गई हुआ क्या बस मैंने थोड़ा दिन सांस ली लींस कम करो इंसान के बच्चे बन अक्रॉस like यार मैं कुछ नहीं हूँ भाई हुँ। मैं कल को चोरी करता हूँ ना और अगर मैं पोल्यूशन काउंटर केसेस लीड कर रहा हूँ तो वो कॉज बर्बाद हो जाएगा एक मेरी वजह से कि ये तो सारे एक लॉबी थी ये तो वकील पैसे लूटने के चक्कर में एन से पैसे बनाने के चक्कर में को सियासी बनाते हैं पुलिस सही काम कर रही है जनरलाइजेशन मिसिंग पर्सन के कॉज के अंदर मैं हूँ वो ख़राब हो जाएगा सेक्टेरिन इशू का कोई इशू रेस कर रहा हूँ जिस वक्त मैं जो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझसे इम्पेक्टेड या कनेक्टेड है वो सारी चीज़ें देखें जब लोग आपको थोड़ी बहुत इज्जत देते हैं ना और फॉलो करना शुरू करते हैं तो वो आपको एक मनसब दे रहे हैं और उस मनसब के साथ एक ज़िम्मेदारी आ रही है बेशक आप किसी ऑफिशियल पोस्ट पे हैं कि नहीं अगर मुझे किसी ने एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है उन इश्यूज रिलेटेड टू सेक्टेरियन वायलेंस या मिसिंग पर्सनस या रिलीजियस वायलेंस जो जो भी वक्त वक्त की चीज़ें होती रही हैं ये नहीं कि ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव या इस्पोर्ट्स पर्सन सोसाइटी बट एक किसी कैपेसिटी में तो मुझसे जो होगी ना मेरी अंदर ज़ाती कोतायाँ जो सामने आएँगी लोग मेरे करेक्टर का और मेरे बुरे रवैये का एग्ज़ाम्पल देकर उन लोगों को ताना मारेंगे कि तुम लोग तो ये हो ना

उस पर कुछ खवीन होती हैं वो मतलब कोई ऐसी बात उनने बोल दी सेम थिंग कि यार यू नो एंड दें दे गेट जनरलाइज लाइक भाई तो सब खवीन ये मेरा जिसम मेरी मर्जी के स्लोगन मतलब इसी किस्म के लोग होंगे ना हालांकि दो मतलब तो देखें वो तो बात नहीं सी है वो तो एक मर्दों ने बहाना ढूंढा है गुफ्तू को डिरेल करने का इस नारे में भी कोई गलती नहीं है नहीं? और इसका मतलब नहीं है।, वो जो मौली है ना सदाकत ना शराफत ना दयानत ना अमानत नबी के मेबर पे आ गए हैं नबी की हर एक अदा के कातल मौली साहब के लिए मैं पढ़ रहा हूँ जिन्होंने ये बात की थी कि भाई ठीक है मेरा भी जैसा मेरी भी मर्जी हम भी फिर जो है वो अपने जिसम को लेके आपके जिसम के ऊपर हमला वर हो जाएंगे रेप थ्रेट कर लेना रेप भी कुछ नहीं है ना जो कि फिर मेरा जैसे मेरी नाजी दि, नहीं वो मंबर पर बैठे हुए थे कोई बयान चल रहा था उन्होंने के बात की ना उनको एहसास मंबर का जिसपे वो बैठे हुए हैं ना उस लिबास का जो उन्होंने पहना हुआ था ना उस मनसब का जिसपे वो फायज हैं उन्होंने ये बात की देखिए सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में है मेरा जैसे मेरी मर्जी दूसरे पे इम्पोजिशन के बारे में नहीं है कि मेरे पे तुम हुक्म ना चलाओ कि मुझे तुम पपेट बना के कंट्रोल करो अच्छा ये नहीं है कि मैं तुम पे हमला आवर हो जाऊं और मैं अपने आप को तुम पे इम्पोज करूं। नहीं ये not. है yes, सही it. है तो that's अगर it. मर्द भी कहे कि मेरा जैसा मेरी मर्जी तो यही है कि भाई आप मुझे ना हरास करें मुझे ना अब्यूज करें मेरे साथ कोई गलत काम ना करें बट मैं भी कोई आपके साथ नहीं कर रहा नहीं? मैं आपकी इज्जत का प्रिवेसी का और डिग्निटी का और इज्जत नफ्स का मैं उस इज्जत आबरू की बात नहीं कर रहा जो लुट जाती है इज्जत नफ्स एक सेंस ऑफ डिग्निटी होती है बंदे के अंदर जी। के जी। एक कंफर्ट लेवल से जो आपके डिफाइन होती है जी। उसकी जी। बात कर रहा हूँ उसका भी है हर मर्द और औरत का मेरा भी है बतौर एक इंसान तो बिल्कुल सही नारा और बेहतरीन नारा और देखिए हक़ सच जितना खुल के बोला जाए उतना बेहतर है सही अब वो जो इसको डिट्रैक्ट करना चाहते हैं ना उस से डिट्रैक्ट करना चाहते हैं कि एक हजार पोस्टर होंगे औरत में। सही। उसमें से एक पे लिखा होगा मेरा जैसा मेरी मर्जी ठीक है? नौ सौ निन्यानवे पे लिखा होगा छोटी बच्चियों को जिंदा मत दफनाओ अबॉर्शन ना करो अब इस पर बहस नहीं है मगर इस पर आना नहीं चाहते ना चूंकि जब बहस नहीं है तो फिर आप क्या मांगेंगे सर्विस डिलीवरी के मर्दों इस पर तो कोई बहस तो नहीं है ना मर्द भी कहेंगे हाँ यार बात तो सही है कि बच्चियों के वॉशन ना कराएं कि वो हैं तो फिर इम्प्लीमेंट करो ना अब वो इम्प्लीमेंटेशन वाली स्टेज पर नहीं आना चाहते नहीं। तो फिर दूसरे पे लिखा होगा कि जी औरतों को ना जलाएं ऐसे भी बहस नहीं है तजाब ना फेंकें इस पर भी बहस नहीं है ज़बरदस्ती जबरन शादी ना कराएं इस पे भी बहस नहीं है रेप ना करें इस पर उस पर तो दे रहे हैं इस चौकों के ऊपर पे नहीं।, तो नहीं आएंगे नहीं। जहां पे अगर एंगेजमेंट वो शुरू करते हैं कन्वर्जेशन की उस पोस्टर को पकड़ के तो बहस के आगे खातन पलट के कहेंगी कि फिर डिलीवरी कहाँ है अगर बहस नहीं है तो इसलिए वो पोस्टर ही वो पकड़ते हैं जो उसके वेग मायने निकाल के बस बहस ही बहस चलती रहे ताकि डिलीवरी के ऊपर आई ना सके ना बहस पहले यो के पहले एग्रीमेंट तो हो जाए कंसेंसस मीटिंग ऑफ द माइंड हो जाए हाँ। फिर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट हाँ। करना है कि नहीं हाँ। करना हाँ। सही बात है जहां भाई इसको बोलते हैं फिलोसफी में आपनेंगट मैन कि आपने जो है यू सेट शी समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट और उसको डिलेल कर देखिए सर हमेशा से ये होता है कि अक्सरियत से ही जाने जाते हैं जी ठीक है एक माशरे की पहचान जो है ना अक्सरियत से होती है मैं आपको इस तरह से कहूँगा हम जिस दौर को दौरे जहालिया कहते हैं इस्लामिकली ठीक जी जी। है जी जी। और कोई बलासिमी नहीं है फैक्ट बता रहा हूँ मैं इसमें जिस दौर को हम दौर जहालिया कहते हैं उस दौर के अंदर हजरत अबू तालिब जिंदा थे नबी पाक के नबी बनने से पहले मगर अकलीत थे ना उस क्रैश के नबी पाक के अपने वाल अपने दादा अपनी वालदा जो हमारे मुताबिक दीन इब्राहिम पे ही थे वो फैमिली जो है उसी मुन हजरत इब्राहिम के दिन पे चल रही थी कुरान नहीं आया था नबी की नबूत सामने नहीं आई थी नबी पा की से, तो अफको उन पर तो लाने का तस्वर नहीं था से, से, ये अच्छे किरदार थे वो हजरत हैं जनाब नौफल जिन्होंने आके शनाख्त की बीबा बीबी हदीजा की रिक्वेस्ट के ऊपर कि ये जो हुआ है नबी पाखसल के साथ ये नबूत जाहिर हुई है ये सारे अच्छे लोग थे ना मगर अकलीत थे मगर हम उस माशरे को क्या कहते हैं दौरे जहालियत क्यों मेजोरिटी जहां करप्ट होती है आपकी शनाख्त मेजोरिटी से होती है ठीक yes. है yes, 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 yes. तो इसीलिए जब आप कहते हैं ना कि मर्द यू है तो आप उस मेजोरिटी की की बात बात कर कर रहे हैं। आप की बात नहीं कर रहे हैं ऑल नहीं क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ये फिर बेदबी तोहहीन हो जाएगी दैट एवरी इन मक्का वॉज नो प्रॉफिट्स मदर वॉज देयर प्रॉफिट फादर वॉज देयर वर देयर ऑल दो पीपल हु हुआ एंड रिस्पेक्ट तो हम ये दौर को हमेशा मेजोरिटी से करते हैं तो सही। अगर आपको वहां पे भी आप समझते ना कि सबकी बात नहीं हो रही जब दौरे जहालिया कहा जा रहा है जो हमारे लिए मुकदस लोग हैं वो मुकदस हैं और पाक साफ हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे कोर्स हम उनकी बात कर रहे हैं जो मेजोरिटी है चूँकि मेजोरिटी करप्टेड थी तो यहाँ पे भी समझे ना कि फिर वही बात हो रही है जुमले क्यों पकड़ रहे हैं नहीं जुमले तो इसीलिए पकड़ने क्योंकि गुफ्तगु नहीं करनी है बिकॉज वी डो नॉट वॉन्ट टू कम टू टर्म्स विद एंड मिसाजनी जो हम सब के अंदर है क्योंकि जमान भाई एक चीज़ तो ये होती है ना कि सबसे पहले यू मस्ट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि इफ देर इज़ ईवल देन आई हैव द प्रोपेसिटी टू कन कमिटेड ये बात बड़ी बड़ी औखी बात है मुश्किल है नहीं समझ आती लोगों को नहीं समझना चाहते सुनना नहीं चाहते कि यार देखो अगर कहीं uh, एक मैं छोटा सा अगर कहीं चोरी हुई है देन आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ फर्स्ट आई हैव टू टू कम टर्म्स द फैक्ट दैट इफ़ देर सर्कमस्टांसिस That that pushed me to that, uh, action. I I I would would have 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 also, or been, been could दैट पुस्ट मी टू दैट एक्शन आई वु तो लोग तो नेगेटिव एक्सेप्शनिटी में चल रहे नहीं भाई मैं तो कभी भी मैं तो कभी भी नहीं कर सकता था ये चीज़ देखिए उसको भी वही कहते हैं ना एक उसको भी इनटाइटलमेंट कहते हैं mm -hmm. उसको भी हमारे यहाँ ये जब सी और डी एच के अंदर भी सलाब आ गया और सरजानी सरजानी सा लगने लगा पापोश पापोश सा है। जो है वो पौश को लगने लगा सही मैंने ये कहा था ना कि इन बारिशों ने पौष और पापोश का फ़र्क मिटा दिया सही 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 तो ये मुधरों पर निकले हमारे दोस्त यार सारे तो एक बहस छिड़ी हुई कि यार तो कराची वाले कहाँ हैं ये तो सिर्फ हम डिफेंस लिफ्टन वाले आ रहे हैं मुधारों पर यार देखिए अगर आप उस तबके में नहीं हैं जो अगर काम पे नहीं जाए तो उसकी तनख्वाह नहीं कटती अगर आप उस तबके में नहीं हैं जो डेढ़ से दो नौकरी करके घर चला रहा है और अगर आप उस तबके में नहीं हैं जो कि बस का धुआं सूंघता है चूंकि वो बस में ट्रैवल करता है या वो बाइक पर ट्रैवल करता है और अगर आप उस तबके में नहीं हैं जो कि हरासमेंट घर के बाहर बदतमीजी शुरू हो जाए अगर आपका रेंट डिले हो जाए ठीक है और आप उस तबके में नहीं हैं कि बारिश छोड़िए सारा साल ही गटर बहता है घर के बाहर तो आप नहीं डाल सकते माशरे की तब्दीली का सारा ऑनस उस पर और बोले कि जी हमारे साथ आके हम आवाज़ हो जाइए और एक सफ में खड़े हो जाइए महमूद व्याज ठीक है तो ये हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम हैं तमाम तर एक ही करप्ट माशरे का शिकार मगर हम सब ने ढाल या आर्मर जो है ना वो अलग अलग पहना हुआ है कुछ सही। लोगों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है सही सही है वो उनको तीर भी मारेंगे तो मर जाएंगे कुछ लोगों का एक्सपोजर ऐसा है कि वो प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं सही सही बात हकीकी तौर कराची में लोग प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं या। मैं भी नहीं, रहा। नहीं 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 कह रहा तो मत डालें अच्छा अब मैं अक्सर अपने बारे में भी ये सोचता हूँ भाई कि अलहमद लाला मेरे खानदान में तो कोई आज तक स्ट्रीट क्राइम की वजह से इंतकाल नहीं कर गया ठीक है एक बात कर रहा हूँ अच्छा मैं वालदे मेरे जो हैं दादा मेरे यूपी से आए थे नाना भी मेरे हजरत करके आए थे मगर वो ईस्टर्न पंजाब से वेस्टर्न पंजाब चले गए दादा मेरे यूपी से यहाँ आ गए तो कराची में रहते हुए मेजॉरिटी एटने सिटी हाँ। कहलाए चलाए और दूसरी वालदा की तरफ से पंजाबी हाँ। कवर मिल गया हालात ज़्यादा ख़राब होते थे तो अमी अब्बुल हॉल ले आते थे हमें मुझे याद है ऑपरेशन का टाइम ठीक है कहने का मकसद है कि उस तरह की मुझे वो किताबों में नहीं पढ़ने को मिली नफरत जो हमने बाकी एथनीसिटीज के बारे में घोली है ठीक है और जो प्रसप्शन बनाए हैं खानदान मेरा दोनों तरफ से अहले सुन्नत से है तो मेरे खानदान के अंदर कोई सेक्टेरियन वायलेंस से मरा भी नहीं है और वाइल्ड ग्रोइंग अप मैंने कोई रिलीजस डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गो के अंडर द अजम्पशन ट आईम ए बी फ्रॉम अनदर सेक्ट और अनदर रिलीजन अब मेरे पे लोग तरह तरह की बातें करते हैं बट बिकॉज वो मेरी असल में आइडेंटिटी नहीं है नहीं। एक अज्यूम्ड इमेजिन आइडेंटिटी है लोगों की तरफ से कि यार आप तो अहमदी हैं फॉर एग्जाम्पल पर चूंकि मैं अगर नहीं हूं तो मुझे वो फील तो नहीं हो रहा ना अटैक नहीं चूंकि देखिए जो बंदा जो होता है जो भी होता है हर बंदा अपनी शनाख्त पे फखर करता है सही और वो उसकी इज्जत नफ्स का हिस्सा होता है और जब आप उसकी शनाख्त को गाली देते हैं तो वो उसको अपनी इज्जत नफ्स पे हमला समझता है ठीक है Sorry? तो अगर आप मुझे गलत फैमिली में कुछ और समझ के बुरा भला कह रहे हैं तो मैं वो ट्रॉमा नहीं फेस करूंगा वो प्रेशर नहीं फेस करूंगा जो उस जो है और वही चीजें भी करती है ना बिकॉज आपका परसेप्शन बिल्ड होता है वही वाली कहानी हो जाती है कि ऑल आर पिग बिकॉज मेजोरिटी ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की तो आप एक माशरे का व्यू बना लेते हैं तो मैं जो एक्टिविज्म में कर रहा हूँ कहने का मकसद था एक बैकग्राउंड देने का कि ऐसा कोई भी कॉज नहीं है जिसमें पर्सनली पर्सनलीवेस्टेड हूँ फॉर द फैक्ट मैं बता दूंगा के इलेक्ट्रिक और पानी का टैंकर माफिया क्योंकि मेरे घर भी टैंकर माफिया आ रहा है मैं भी बिजली का मसला कर रहा हूँ अच्छा आ, बट पुलिस इनकाउंटर के अंदर भी मेरा कोई नहीं मारा गया ठीक है तो बट बात इतनी सी है भाई अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि जब मेरे साथ ये होगा तभी मैं ये काम करूं। इज वेयर थिंग्स विल इवेंचुअली गो रॉन्ग आई डोंट हैव टू ओनली पिक अप इशूज विद विच आई एम इफेक्टेड और माई कंस्टिट्यफेक्टेड मैं तो आठ दिन जाके धरने में बैठा पारा चिनार वहाँ से तो मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ना ना या मैंने सोचा तो नहीं नियर फोसिबल फ्यूचर में तो मैं वहाँ पे क्यों जाके बैठ रहा हूँ या मस्तूंग धमाके के अंदर मैंने 2018 में इलेक्शन कैंपेन सस्पेंड करके एक दिन हमने कोटा जाके रिलीफ वर्क किया था खानदानों के साथ क्यों किया था उसका इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जी वो इलेक्शन सिक्योर हो रहा है या ये कोई आपका मटेरियल गेन या एडवांटेज है वो बात इतनी सी है कि आप ये काम अगर समझते हैं कुछ सही है या गलत है तो आप सही इसलिए करें ताकि बाकी लोगों को भी निशानदेही करने में आसानी हो कि काम सही है और हमें भी करना चाहिए सही। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस इंसान को ये लगता है ना कि वो माशरा बदल सकता है दूसरे अलफ तब्दीली तब् लफ्जों में उससे बड़ी गलत फहमी और बेवकूफ़ी की बात हो ही सकती यू डोंट थिंक वन मैन कैन चेंज सोसाइटी जी तब्दील कर देंगे माश नहीं भाई आप कुदरत नहीं रखते इस चीज़ के ऊपर इस पे वाहिद कुदरत जो है ना इंसान को तब्दील करने वाली वो है खुदा की आप इंसान को सिखा सकते हैं आप इंसान को इंस्पायर कर सकते हैं आप एक इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं आप उसे तब्दील नहीं कर सकते कैन चेंज फंडामेंटली ये are... इंसान का अपना डिसीजन होता है उसकी अपनी अदालत में कि क्या सही है और क्या गलत है तो आप उसके लिए वो जो स्केल ऑफ जस्टिस है ना mm -hmm. वो तय करने का मैार दे सकते हैं उस वैल्यू yes. सिस्टम से yes, 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 yes. तो उस अच्छा मगर आप ये देखिएगा कि तब्दीली की जब बात आती है ना कि हम तब्दील कर देंगे तो ऐसा लगता है कि कोई हुक्मनामा जारी होगा उसके बाद सब सही हो जाएगा सब सही हो जाएगा और वो तो कभी होने का नहीं जो के मैंने का कि मैंने तब्दील आप नहीं कर सकते सही इंस्पायर मैं मैं माशरे की बात कर रहा किसी दफ्तर की बात नहीं कर रहा नहीं, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दफ्तर की करप्शन नहीं ठीक हो सकती वो तो तो हो सकती वो है। तो किताबों की बात है मैं माशरे की ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना चूकी हमारे समाजी कदरों का अखलाक कदरों का एक फुकदान है सोसाइटी लेवल के ऊपर हाँ जी आप इंस्पायर कर सकते हो और इंस्पायर करने के लिए भाई आपको अपने ऊपर पाबंदियां लगानी होती हैं आपको जिम्मेदारी का एहसास करना होता है आप ना इवन इफ़ यूर इन द मूड आप छिछोरी बातें नहीं करते आप अपना कूल cool लूज़ नहीं करते आप इेलिवेंट नहीं हो जाते रेलिवेंसी ढूंढने के चक्कर में सही है सही, सही, और आप लीड करते हैं बाई एग्ज़ाम्पल और वो एक कंटिन्यूस बैटल होता है और एक एक लफ्ज़ आप नाप तोल के अदा करते हैं सही इस वजन के साथ है कोई बंदा सियासत में कर रहा है इस वक्त मुल्क को लीड कर रहा आप देखिए ना मैं इस वक्त एक सवाल कर रहे हैं लोग आ, ये, बड़ा ये करते थे चिल्लाते थे कि जी नवाज शरीफ साहब तो कोई टैक्स नहीं देते और वाकई में उनके टैक्स के बड़े कंट्रोवर्शियल हिसाब किताब मगर ये जो कि मुँह से आके एफबीआर ने कहा है कि जी अस्सी करोड़ रुपये दिया है सारी पार्लियामेंट ने मिलकर टैक्स जबकि उसमें सिर्फ चौबीस करोड़ रुपये शायद थकाना पास का, का एक इंसान का जो आपका फॉर्मर वजीर आजम है उसने 24 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है सही। है? सही। के के नाम देख लिए। पंजाब तक। करने के लिए है। मैं पिछले पी को उनकी पार्टी छोड़े मैं उनकी पार्टी का कायल भी नहीं हूँ मगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में डील नहीं करता ग्रे मैटर भी होता है हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं मैं बड़ा मुतमिन हूँ भाई ये जान के यार के जो मेरा वजी भी उतरा है डेढ़ साल ये फुल इसके अपने खाते क्लियर हैं जो बंदा चौबीस करोड़ टैक्स दे रहा है ना और इसके नजदीक तरीन कोई आई नहीं रहा नजदीक तरीन जो आ रहा है वो तीन करोड़ वाला आ रहा है सही। उसके बाद सही। इसका मतलब है वो टैक्स चोरी या टैक्स बचाने या टैक्स हेर फेर में उसने अपने कहा नहीं नहीं, नहीं। जो लाइबिलिटी तो मतलब है कि इस इंसान ने अगर, अगर अपने क्लैरिटी की है तो फिर गवर्नमेंट में पैसे थे, थे वो एल एन जी केस हो या कोई और केस हो इसने कोई अपनी तरफ से कोई नहीं की होगी निकल के आती है ना रीजनल एक चीज आती है एज अपोज अगर मैं देखता हूँ मियाँ साहब ने तो पांच हजार रुपए टैक्स दिया था तो मियाँ साहब पे कह सकता हूँ जो बंदा अपने इतने इतफाक फाउंड्री और वगैरह के बाद पांच हजार दे रहा है ये पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा बट मैं आई विल होल्ड खाना भाई सेपरेट फ्रॉम दैट यस यस ये लाइन है अपनी सफों के अंदर कौन है ऐसा ये तब्दीली वाले हाँ जी। एक लेके आए हाँ जी। एक लाए तो भाई इंस्पायर ऐसे नहीं होता नहीं। कि अच्छी तकरीर कर दी है और बड़े कॉन्फिडेंस से कर दी है और बगैर पर्ची पड़े कर दी है और मैं इसलिए आप समझ लें अक्सर लोग कहते हैं यार आप इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं भाई यूथ का वोट बैंक ही लेके गए हैं ना नेक्स्ट जनरेशन yes. का वोट बैंक इन्होंने अपने हाथ किया है ना yes. Yes. जो जाले थे वो तो पुराने हो गए सही, सही है घर सही. में फर्क आ गया अम्मा अब्बा जाले नए बच्चे तब्दीली की बात कर रहे हैं ये हुआ है yes. डिबेट चेंज हुई है ठीक yes. 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 है तो जो नई जनरेशन के अंदर डेंट मार के गए हैं और जो मुस्तकबिल का पॉलिटिकल माइंड कर रहे हैं और मुझे इनसे शिकायत सबसे ज्यादा ये कि इन्होंने जहन साजी नहीं की सिर्फ जहन कशी की जहन कशी क्या होती है तबाह करना बर्बाद करना सही सही। yes. तो खुद होती है ना? यस। ज़हन खुशी है ज़हन शादी होती है किसी इसको तैयार करना। हम्म mm हम्म। -hmm. the, the what happened was they I, I don't want to use the word poisoned because that's a neg negative connotation hogi. But hope mila ek aapke youth ko. था ना जब मैं कैसे नहीं था बिकॉज़ दे वोटेड बिकॉज़ दे वर होपफुल ना। दे वोटेड बिकॉज़ दे वर लाइक दिस इज गोइंग टू चेंज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड देन नथिंग दे मैं फिर बात से कटा नजर कि मेरी बात गहरा गुजरेगी सच को सच बोलना चाहिए सच हाँ, सच को सच बोलना चाहिए यस मैं एक फिल्म बनाऊ और मैं फिल्म का नाम होप रख दू उसका यह मतलब नहीं कि वो फिल्म हो पै है नहीं yes, yes. फसाट दिखाया गया एक मराज दिखाया गया सहरा में आप भाग रहे हैं कि वो पानी है दरख्त है जो मुझे नजर आ रहा है सही वो था कुछ नहीं वो मराज था सही है और आप उसको होप की तरफ देख के भागे जा रहे हैं जबकि हर एक चीज करके दिखाई इन्होंने जीतने से पहले जिससे आपको ये वाजे हो जाना चाहिए था कि यह मिराज था ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अब आप हाईलाइट करते हैं जिन्होंने पहले नहीं की आप आज कहते हैं कि जी सी सी पी ओ साहब का बयान एक रिविक्टम के बारे में क्या आपको ये नहीं पता कि इमरान खान साहब ने उस बिल के ख़िलाफ़ वोट दिया था जिस बिल के वजह से रेप की चार गवाहों की मजबूरी ख़त्म हो गई थी और आपका डी एन ए टेस्ट और बाकी चीज़ें एडमिशन में आ गई हैं वरना उससे पहले नन्यानवे फीसद जो रेप विक्टम्स थी वो अडल्ट्री के इल्ज़ाम में जेल में होती थी और जो कानून 2006 में लाया गया उसका एब्सचेंज में नहीं उसके खिलाफ खान साहब ने वोट दिया और क्या लॉजिक थी कि जी ये डिटेटर के दौर के अंदर जो है ना वो कानून चेंज हो रहा है तो ये हदूद ऑर्डिनेंस इसको चेंज कर रहे थे भी डिटेटर के दौर में ही आई थी जब आपने शुरू में मुशरफ का साथ दिया तब डिटेटर सही था बाद में ये कानून आपको बुरा लगा ठीक है तो आप मुझे बात बताइए इस पार्टी ने क्या किया था गुलालाई के साथ जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आप डिनाई करें एलिगेशन मैं ये नहीं कह रहा कि बुलाए के एलिगेशन प्रूव हो गए बट वॉज एंड शी जो एक टर्म यूज होता है स्लट शेम्ड बाई द ट्रोल्स ऑनलाइन डिड नॉट ऑल द वेमेन ऑफ पी टी आई सीनियर मेबर्स कामेंट से कि यह पता नहीं कैसी खातून है हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश की गई थी राजन जय सिंह इट्स ए लीगल मैटर जी mm -hmm. हम इसको मीडिया में नहीं उछालेंगे mm -hmm. वो अगर उछाल रही तो उनका करैक्टर है हम इसको कोर्ट में सीरियसली लेकर जाएंगे और डेफिमेशन प्रोसीजन फाइल करेंगे That's ना आप यू लीड बाई एग्जाम्पल अगर yes. आपको लगता है कि गुलाय ने भी गलत हरकत की तो क्या वजी आजम ऑफिस भी गलत हरकत करेगा आप ये इन चीज़ों के बारे में देख लीजिए क्या ये शेख रशीद क्या जीतने के बाद अल बने हैं खान साहब के कि पहली अलाए बन चुके थे सही सही है सही. क्या ये एम के एम से जो इनकी वार्मिंग अप शुरू हुई थी जब ये कराची में जलसा किया था इन्होंने बहुत बड़ा आके पहली बार वो तो बहुत पहले शुरू हो गई थी ये इसके बाद थोड़ी शुरू हुई थी तो एवरी सिंगल थिंग किस को पार्टी में लेना है किसको निकालना है आप गिनना शुरू करेंगे नाम आप परेशान हो जाएंगे यार ये भी फाउंडिंग मेम्बर्स में थे पी के

उन्हें रिजाइन कर दिया क्यों क्योंकि एक इंटेग्रिटी वाले आदमी ने जब सच बोला और आपने सच अमल नहीं किया तो उसने तो कहना कि फिर तो मेरी तो कोई वर्ती नहीं जिम्मे मैं चला जाता हूँ बट इज़ इन दैन दी ओनली आर्ग्यूमेंट दर आई कुड मेक इज इन दट कि भाई इफ यू वॉन्ट टू बी प्रोमिनेंट इन पॉलिटिक्स नाउ इन दिस पॉलिटिकल लैंडस्केप तो और कोई तरीका नहीं है यही तरीका है नहीं किसने का नहीं देखें जिनको जो, जो उजरत पसंद है ना किसी ने नहीं कहा था एक इंसान को कि आप रिटायरमेंट लेके अपने करियर से जब आप सेकंड लेग ऑफ योर लाइफ में आएँ फोर्टी फोर के हो जाएं तब आप सोचें इस बारे में कि आपने सहासत में आना और फिर आप रियलाइज़ करें कि जी टाइम तो कम है तो फिर आप कटिंग कॉर्नर शुरू कर दें mm -hmm. फिर आप जल्दी की रेस में शुरू कर दें मैंने पहला इलेक्शन लड़ा जब मैं छब्बीस साल का था जब तक मैं चवालीस का हूँ मैं छः लड़ चुका हूँ और अगर छः के छः भी हार गया तो कोई मसला नहीं है चूंकि तब मैं सिर्फ चवालीस का ही होगा ना बट मैं अपना एक पॉलिटिकल एक एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ कोई एक इंप्रेशन बना चुका हूँ कुछ लोगों को तारुफ होगा कि क्या है कि क्या नहीं है तो आपके ख्याल के अंदर कि पिछले इलेक्शन के और इलेक्शन में मुझे न्यू ऑफर पार्टी टिकट से हुई या अलाइनमेंट ऑफर हुई आपके ख्याल में मैंने क्यों इनकार किया मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है भाई

ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा हूँ और वो आगे मुझसे बैठ जाए तो मैं उनको डेटा के बताऊँगा कि किसने ज़्यादा काम किया है। बेशक मैंने उसकी इतनी तशीर ना की हो सो so, ये काम करने के लिए आपको टूल्स मिल जाएँ और आवाम का एक स्टैम्प मिल जाए कच्छे फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो एक एसास की बात होती है एक जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है मगर उसके अलावा भी भाई ये हदफ़ नहीं होने चाहिए हदफ़ है अगर मुझे लगता है कि माशरे में कुछ गलत हो रहा है और बेहतर होना चाहिए और मैं वो बेड़ा उठा रहा हूँ तो मैं अपने काम से अपने सक्सेस से भी और अपने फेलियर से भी लोगों को इंस्पायर करूँ ठीक सही, सही। है और मटेरियल फेलियर की आप बात करेंगे तो करबला के अंदर मटेरियल फेलियर है अगर आप रूहानी सक्सेस की बात करेंगे तो उससे बड़ी रूहानी सक्सेस कोई नहीं, नहीं है मटेरियल नहीं। नहीं। गेन तो विन एंड लॉस होता है ना वन साइड लॉस द बैटल करबला में मटेरियल लॉस हुआ हाँ। कि जी जंग तो हार गए उमैया जीत गए इलाकी लेवल के ऊपर रूहानी लेवल के ऊपर लेवल के ऊपर जो वैल्यू सिस्टम है वहाँ कौन जीता no no कम से कम चौदह सौ साल तो हो गए हाँ, मतलब हम अपने लिए तो कह सकते हैं फॉर एवर ठीक है ईमान हाँ. हमारा ये हमारे बाद भी चौदह सौ साल अगर दुनिया और जाती है तो चलेगा ठीक है ये मान के चल रहे ना तो खुदा के बंदे की चीजें रियलाइज करो ना ये सोच के बैठे हैं कि हिस्ट्री विल एब्सोल्व दम इट विल नॉट No, no. इससे इनको बख्श देने वाली ये अभी जितनी खबरें लगवाने चाहते हैं जितने अपने जल्सों में नारे लगवाने चाहते हैं जिसको जिंदा रखना चाहते हैं जिसको जिंदा नहीं रखना चाहते हैं और हर भुट्टो को वो ना लगे कि वो अली भट्टो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट <laughs> है ठीक yes, 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 है yes, 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 yes. yes, सही है yes. या वो बेनजीर भुट्टो है सही है ये भी मैं इसलिए कहूंगा चूंकि वो तो अल्टीमेट प्राइस पे कर गए सही Yes. सही है yes, yes, yes. जबकि फ्लॉज उनकी सियासत में हद से ज्यादा हैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ इधर ऑफ दर पॉलिटिक्स बट जो उनकी पर्सनैलिटी में स्ट्रॉग पॉइंट थे अगर मैं उनको नहीं एडमिट करता उनकी नहीं तारीफ करता तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूं no. सही है yes. खान साहब का जो कि हमने फिर में काफी उनकी बुराई कर ली तो फिर देखने वाले कहेंगे अच्छा फिर खान साहब के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है आप hmm. नहीं है। खान साहब की जो एक सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि द गाय वेन ही टेक्स अप अ टास्क विल टेक इट टिल दी वेरी एंड यस ठीक है अनफॉर्चुनेटली ऑल दो टास्क हैव बीन अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ पॉलिटिक्स नेशन वाइड कोई टास्क मुझे अभी एक ऐसा ऐलान नहीं है जिसको इन्होंने अनाउंस करने के बाद फॉलो किया हो mm -hmm. सही है एंड सियासत में ये पावर रिज्यूम करने के बाद के पी में कोई मॉडल रिफॉर्म नहीं आया है सही है ना सियासी तौर पर उन्होंने को ऐसा कोई फ़ैसला किया एक अच्छी बात जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी में अब आ रही है जो शफक़त महमूद साहब ने इंक्लूड करवाई है कि प्राइमरी स्कूल के अंदर ये कह रहे हैं कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी मादरी जबान हो वो उर्दू हो या अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सिंधी ज़्यादा बोली जाती तो सिंधी हो अगर पश्तो ज़्यादा बोली जाती तो पश्तो हो मैं खुद इस बात का कायलू मेरे मशहूर में भी चीज़ थी और पी टी आई अगर ये करने में कामयाब होती है तो मैं खड़े होकर तालियां बजाऊँगा इनके लिए चूँकि मेरे कॉम के बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान होगा चूँकि मेरी कॉम के मेजॉरिटी कसिर तादाद बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के लीड स्कूल में नहीं पढ़ते नहीं सही है और ना उनके अपने वालदेन की अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है कि वो होमवर्क नहीं करा सकते और जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं और टीचर की भी होती है तो जैक और जिल लड़का था या लड़की थी पता ही नहीं चलता ना यहाँ पे तो अगर हम जाते हैं ग्रामर स्कूल और वापस आते हैं तो हमारी वालदा भी और वालद भी हे बेडी हे एंड पॉप तो अंग्रेज़ी की साइंस और अंग्रेजी की मैथ सब समझ में आती है वो होमवर्क करा सकते हैं मैं आपको एक सिंपल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मैंने अपने इलेक्शन में बहुत बार दिया कि ये जो हल्का है हमारा ये तो भाई यही हल्का है पाकिस्तान अगर चलाना है तो कौन सा ये यस yes. मतलब कि मेरी जान इस हल्के में पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चंदी का रोड यस yes. इस शहर के सबसे बड़े पार्क ठीक है इस शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हस्पता और सरकारी अस्पताल की बड़ी बड़ी आवा खान का एक सेंटर खुला हुआ है पूरा हॉस्पिटल पे साउथ हाँ। सिटी भी खुला हुआ है ना प्राइवेट में आप आ जाए सही है सिविल भी इधर है जना भी इधर है सही है इस शहर के इस मुल्क के सारे जो बड़े बैंक्स हैं उनके हेड क्वार्टर्स यही पे। इस मुल्क के जितने बड़े चैनल्स हैं उनमें से कम से कम पांच के हेडक्वार्टर के बड़े स्कूल गिने एक HSN को हटा के सब के हेडक्वार्टर आपके फेस एट में भाई सही थोड़ा सा आप शुरू करें ना हाँ। फाउंडेशन सी एस सिटी बीक सब यहाँ पे ब्रांचेस अपनी ले आए हैं सब अपना हेडक्वार्टर बेस यहाँ पे आए हैं इंटेलेक्चुअल एलिट हर किस्म की एलिट यहाँ से, से निकलती है, यहां से निकलती, सही यास, है? यास, यास। और यहाँ जो सरकारी स्कूल है हल्के का उसके बच्चे का जो पाँचवा ग्रेड का बच्चा है उसके अंग्रेजी में जो एवरेज मार्क्स हैं जो निकल रहा है क्लास का वो मीन मीडियम क्या कहते हैं मी, हाँ वो उन्नीस से हंड्रेड में से वो इंग्लिश फेल कर रहा है और चूंकि वो इंग्लिश फेल कर रहा है ना तो उसके मैथ्स में पच्चीस है हंड्रेड में से और साइंस में इंग्लिश और... ही नहीं समझ पा रहा तो वो कैसे समझेगा सोल्व करने का तरीका लिखा है वो क्या है? तो जो तो तो अगर अगर ये पीटीआई करती है हाँ. मैं ऑब्जेक्टिव तारीफ भी करूंगा और हाथ में जाकर तालियां भी दूंगा ये वो फैसला होगा इस पार्टी का जो नेशन बिल्डिंग के लिए जाएगा कि देखिए अब्दुल सलाम ने पंजाबी में मैट्रिक किया है और फिर दुनिया को ऐसा काम करके दिखाया अंग्रेजी में कि नोबल प्राइज मिल गया माशा से हाँ। मगर खुद साइंस समझी पंजाबी में सही जब तो समझ आ गई ना फिर दुनिया ने भी समझा देती सही ठीक ठीक है बिल्कुल सही किया नहीं तो मुझे आप ये बताओ शुड बी नॉट मूव टूवर्ड्स टीचिंग चिल्ड्रन इंग्लिश दैट यू थिंक इज इज अ फ्लॉड स्ट्रेटेजी क्यों भाई क्योंकि क्या देगी अंग्रेजी नहीं तो जब छोटे होते उम्र में तो जबान ज्यादा जल्दी पिकअप कर लेते हो ना तो मैंड्रेन सिखाओ <laughs> सिखा देते हैं <laughs> और फॉरेन लैंग्वेज देखें अंग्रेजी पूरी दुनिया में लैंग्वेज सिखाई जाती है याद रखिएगा सही रवायात जो हैं तहजीब जो है, जो है, जो है <laughs> वो जबानों में जिंदा रहती है सही। आप अगर जबान में से वो लफ्ज हटा दें तो वो इवन इमोशंस मर जाते हैं yes, 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 yes. आप उर्दू में ढूंढ सकते हैं ये उन प्यार मोहब्बत इश्क जुनून ये स्टेजेस ये फिल्मों के डायलॉग भी है ना मगर हर इमोशन को कैटेगराइज किया हुआ है ना कि हमारी तहजीब में तू yes. तुम तु, 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 आप जनाब हजूर, हजूर अंग्रेजी में साल है यू है मी एंड यू और कुछ नहीं है यस yes. और प्यार के लिए एक लव है लव या अफेक्शन है Lust. फिर उन्होंने लव को पपी लव भी कर दिया ना जो क्यूट वाला लव होता है पपी लव सही ठीक है ये कर दिया ना बेचारे इतने नहीं कर सकते हमारे यहाँ लिबास हर चीज़ कुर्ता नहीं होती और हर चीज़ कमीज़ नहीं होती उसकी स्टिचिंग उसका अंदाज़ बताता है भाई ये कुर्ता है ये कमीज़ है ये घेर वाली शलार है ये तंग पजामा है ये ये खड़ा पजामा है ये फला स्टाइल है ये फला स्टाइल है आप अगर सबको शलवार बोलना शुरू कर देंगे ना मैं आपको लिख के देता हूँ वो सारी चीज़ इवेंचुअली हमोजनस हो जाएगी और वो अंदाज़ खत्म होना शुरू हो जाएंगे और एक ही अंदाज का शलवार कमीज़ बनना शुरू हो जाएगा चुके लोग फर्क करना भूल जाएंगे ज़बान सकाफ़ती ज़िंदा रखती हैं लिबास ज़िंदा रखती हैं आदतें ज़िंदा रखती हैं रवायत ज़िंदा रखती हैं Agreed. Yes. तो जितना खजाना हमारे पास है ना भाई mm -hmm. और हमारी शनाख्ती हमारी जबान और हमारी रवायतों की वजह से है ना हम yes. पाकिस्तानी तो क्यों हैं? इसलिए तो नहीं कि एक मुल्क है पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं हमारे कल्चरल भी एक शनाख्त डिफरेंट है yes. तो मैं इसी तरह अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई ये क्या महाजर लगा के रखा है महाजिर कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी थोड़ी है सिर्फ महाजर अपने साथ अपने खाने लेके आया है अपनी रिवायात लेके आया है अपना लिबास लेके आया है अपनी तहजीब अपनी तबदन लेके आया है ये मजमुआ है यूपी एम पी और हैदराबाद दक्कन की सकाफत और बिहार की सकाफत का एम पी क्या होता है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। सही, है। सही, सही। ये साथ में देखें, आंध्रा में हैदराबाद हो गया वो आंध्रा हो गया साथ में मेरे ख्याल में एम पी है यूपी और बिहार सही। ये मिक्स जिसको हम कहते हैं ना उर्दू स्पीकिंग मगर उर्दू स्पीकिंग में भी फर्क है भाई है yeah. कानपुरी में और हैदराबाद वाले में बड़ा फर्क है दोनों महाजर yes. मगर तों का भी फर्क है yes. का भी फर्क है रस्मों का भी फर्क है तो yes. so, ये महाजिर एक बड़ा मेरे ख्याल में कभी कभी इनजस्टिस भी कर जाता है कि ये जहनी तौर पर mm -hmm. ये देखे ना मैंने कहा ना जबान में चीज़ें धंधा रहती हैं so, yeah. ये पोलिटिकल थाट नहीं जिंदा हमें लगता है कि बस जो आया था बॉर्डर पार करके इंडिया से इंडिया हमसे पांच गुना बड़ा ये छह गुना बड़ा ठीक है हमारी चार स्टेट्स उनकी तीस बत्तीस स्टेट सही है हमें लगता है कि जो बॉर्डर पार करके आया था वो एक ही बोलता था नहीं। नहीं। वहां से पठानों ने भी हिजरत की है, है। यूसुफ को छोड़िए बड़े कश्मीरियों ने भी किए जो सेटल होकर रह गए थे बाकी पठानों के बड़े ट्राइब्स ने किए पंजाबियों ने भी किए क्योंकि जब ये एक एरिया था तो बहुत से लोग वहां पर भी रहते थे ना और फिर जो अपने वहाँ के जो एर एरिया से मुझे बताएं आपके सारे मेमन जो ख़ास तौर पर द पार्टीशन आए ये तो ये जूनागढ़ रियासत और उसके आगे आप चले जाएं कच्छ का इलाका और ये गुजरात का इलाका कितनी कम्युनिटी वहाँ से आई है आपकी कितनी कम्युनिटी जो है हाँ. आपकी ये जो बोरा कम्युनिटी है बोरी कम्युनिटी इससे थोड़ी गुजराती बोलती है गुजराती बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम दैट एरिया इन गुजरात ना नॉट द पंजाब गुजरात कितने डाइवर्सिफाइड सेगमेंट ने की है माइग्रेशन हाँ. आप एक महाजिर क्या के थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन 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 है नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल स्टेटस के अंदर जो माइग्रेशन स्टेटस था ये टर्म तब रेलेवेंट था जब आपने ये वैक्ट्रस के तहत ये डिसाइड करना था कि कौन वहां से आया जिसको आप जमीन हिस्सा मिलेगा या शुरू में कोटा वगैरह मिलेगा बाकी तो आप इन सकाफतों को भी इनके नाम से पुकार रहे हो इसमें मत घबराएं कि जी ये લખનવી સقافત હે કે યે કકાનપુરી હે કે યે હૈદરાબાદ દક્કન કી તો ક્યા હુઆ અગર નામ ઇન્ડિયા કે હે મગર યે હે હમારી સقافતે હૈ રવાઇતે હૈ ક્યોકી ઇનકી રૂટ આપકો વહા મિલેગી હા ઉન શહેરો મે મિલેગી હા તો વહા પે ભી ઓબ્જેક્ટિવલી દેખા જાય ધીસ આર બ્યુટીફુલ કલ્ચર સે ગભરાને કી તો ખેર આઈ ડોન્ટ નો વાય યે હમારે હે ના દેખે ઓર હમારે હમારે એક અજીબ મુલક હે યાર જેસ મુલક ઝિનો હોતા હે ઝિનો હોતા હે ઝિનો ઝિનો પ્રન્સિએશન મે માઠા મત થોડા તો યે ज़ीनो, हाँ, ये पहला मुल्क है जिसके अंदर ही ज़ीनो, वो एक दूसरे को लेके, जी बिल्कुल, absolutely yes, 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 भी है ही ज़्यादा, भी है ही आ गया, हुँ. तुम सिन्ने बैठे हुए हो और <laughs> कह रहे हो सिन्दी आ गया, <laughs> सही, अजीब सी बात है, सथी। सिन्ने सथी। और कौन आएगा, <laughs> हैं, सही एस्किमो मो आ जाएंगे नहीं वो भी मेरे ख्याल होना चाहिए ना? Yes, तो भाई ये अजीब सी बात है जो जहाँ रहते हैं चलते हैं बसते हैं और देखें शनाख्त करने के भी तरीके हैं शनाख्त करने का तरीका यूँ होता है कि फर्श करे मेरे घर में मैंने दावत में बुलाया है सौ लोगों को इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिविटी की सेंस क्या होती है इसको हम असल में कहते हैं ना वोक कि आपको एहसास है हर बंदे का अगर मुझे पता है ना कि उन सौ में से नन्यानवे में से एक जो है वो हिंदू है एंड एट द ऑफ चांस कि वो मीठ ना खाता हो तो मैंने जो इतना लैविश बुफेर रखवाया हुआ है ना कम से कम मैं एक बंदे की मील सर्विंग ना दो तीन आइटम वेजिटेरियन रखू सिर्फ उसको एहसास दिलाने के लिए सर बेसिक करते मैंने आपको आपकी वैल्यू से आइडेंटिफाई किया सही

तो ये तरीका ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना yes. कि आप बंदी को जो शनाख्त करते हैं वो इज़्ज़त देके करना चाहते हैं या बुराई देके करना चाहते हैं हमने अनफॉर्चुनेटली जो है तो वो हमेशा हिकारत से ही दूसरे कल्चर को देखा है दूसरी रिवायत को देखा है जबकि सिंधी कल्चर डे होता है तो उस वक्त भी आप देखिए कि क्या ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है कि कौन आ गया और क्यों आ गया और क्या करने के लिए आ गया और कैसे आ गया और, आ, वो तो इज 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 अबाउट अबाउट इट इट ना वो तो yes, खुद इसी तरह पश्तून कल्चर डे के अंदर लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटीज में जो उन्होंने माहौल बनाना शुरू किया और बाकी चीजें की हैं बलोच कल्चर डे के ऊपर भी आप देख लें एक तो हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में खास जानते नहीं इतना साथ रहते हुए भी और ना हमने कल्चर प्रजर्वेशनस के मुझे तो नहीं पता सिंध में कोई हो सकता है सिंध के नाम का म्यूज़ियम हो मगर सिंध की सकाफ़त का म्यूजियम है बलोचिस्तान की सकाफ़त का म्यूजियम है जिसने उन तमाम शायरों को अदीबों को और वहाँ जो डाइनेसटीज गुजरी और जो लोग गुजरे उनकी चीज़ों को जिंदा रखा हुआ हो कि ये रवायतें हैं इनसे बनता है बलोच बलोच इंडिविजुअल्स हैं जबरान भाई बट नो दर्ज नो इंस्टीट्यूट सॉरी चाहते नहीं हैं हाँ इस मुल्क की मुकब्लिशमेंट चाहती है सब एक जबान बोलें सब एक ही बात सोचें उतना ही सोचें जितनी हम इजाजत दें उसको उसी तरह समझें जैसे कि हम चाहते हैं और एक ही उस पर नज़र आए मतलब कि वो एक वही हो गया ना कि इस इस मिलिट्री में होता है सब ने एक यूनिफॉर्म पहना होता है एक ही क्रीस होती है एक ही कट होता है एक ही में भी चल रहे होते हैं yes. ना आवाम माशरे ऐसे नहीं कर सकते नहीं कर सकते और आपने जो इंग्लिश के बारे में बोला ना आई थिंक इंग्लिश वॉज ऑल्सो इट वॉज सिंगल डायमेंशनल टू भी होमोजनस एंड बिकॉज इट नीडिड टू भी स्प्रेड इंग्लिश इज पिविटल टू कॉलोनाइजेशन एक ये मसला है ना नन ऑफ दीज लैंग्वेज जिनकी आप मल्टी डायमेंशनल बातें कर रहे हो जैसे उर्दू में दर एटलीस्ट सेवन डायमेंशन अरबी में दर गोइंग टू फिफ्टी ये मैं जब लॉ स्कूल में था ना जी गया था साल डेढ़ के लिए बाहर पढ़ने के लिए तो वो... मेरे गोरे क्लास हेलोज ने ना पहले दिन बात करते हुए गॉड लाइक कि मैं पूछा कहाँ से मैं कहा कराची और जो गुफ्तु शुरू हुई तो मैं नॉर्मल स्लो में इंग्लिश बोल रहा था mm -hmm. तुमने तो उसे एक खातून ने बोला कि इंग्लिश इज़ वेरी गुड नो ऐसे बात की तो मैंने कहास डियर बिकॉज यू आर कॉलोनाइज तो फ्रेंड हो गई मैंने कहा तो ये एहसास भी है अंग्रेजी एहसास भी है कि ये हम नहीं है हमारी शनाख्त नहीं है नहीं। और आ, मैं इसलिए कायर हूँ इस बात का कि मादरी ज़बान में ये भी नहीं कहता कि उर्दू नहीं। देखें हमें पाकिस्तान मुल्क है मजहब नहीं है सही सही है और मज़हब में भी हमें सिखाया कहता था कि खलीफा वक्त जो हैं उनसे सवाल हो सकते थे सही और सहाबा ने शुरू में जब बाकी चीज़ों में कन्फ्यूजन थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल किया है सही ये सर ये बात समझ नहीं आई तो फिर नबी पा ने समझाया है सही सवाल होगा तो समझेगा तशरी जो होगी किसी चीज़ की वो सभी होगी हमारे ना तो हम कोई सवाल ही नहीं कर सकता मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के बानी है मोहम्मद अली जिन्ना आजम साहब मगर उर्दू नाफिज़ करना बहुत बड़ा गलत फैसला था वो उनकी वात के तीन साल बाद आपको अर्ली फिफ्टीज में नज़र आ गया था जब राइट्स शुरू हुए लैंग्वेज के ऊपर सही एक प्रोडेंट फैसला नहीं था सही भाई कोई डिवाइन इंटरवेंशन तो नहीं है ना जना साहब के पास और यकीन तौर पर मेरा मानना है कि अगर तीन चार साल पाँच साल या और कितने भी साल जना साहब जिंदा रह जाते और ये मामला जो बिगड़ते हुए देखते तो शायद वो अपने फैसले पर नजरसानी कर लेते चूंकि मैं ये नहीं मानता कि एक अनापरस्त इंसान थे जना साहब नहीं यस। सही है आ, अच्छी नीयत से भी कभी आपसे गलत फैसले हो जाते हैं ज्यादा बड़ी गलती ये होती है कि आप अपनी अना के लिए अपने फैसले को ना बदलें जैसे कि भांडी तरीन गुफ्तू करने के बाद भी सी सी पी ओ लाहौर को नहीं बदला गया या शदीद तरीन एलिगेशन ऑफ करप्शन के बावजूद भी सिंध के अंदर उन पुलिस वालों को बदल दिया जाता है जो कि करप्शन की रिपोर्ट देते हैं मगर उस मिनिस्टर को कभी नहीं बदला जाता जिसके खिलाफ करप्शन तो की रिपोर्ट आई है यहाँ पर भी, भी ये हाल है वहाँ मॉडल टाउन के अंदर भी हमने देख लिया था माशाला यही पुलिस यही पंजाब पुलिस थी और इसी तरह उन्होंने भी किसी का तबादला नहीं किया था और सबको गले लगाया था तो ये इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है और ये मैं आपको बता दूँ पीपल्स पार्टी और पी और नून लीग ये पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं हैं ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। ये तीनों कैपिटलिस्ट yes, 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 yes. लेफ्ट uh, है।, uh, no? तो है, <laughs> तो। है नहीं मानता पीपुल्स पार्टी को सेंटर लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं है अक्सर तो सॉरी ये सेंटर से राइट ही है और अब की सारी चूंकि सारी मे सी पार्टी यहाँ चली गई ना तो नाउ द सेंटर इज द लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान सही हमारा लेफ्ट इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया है सही। कि अब जो सेंट्रस पोजीशन भी लेता है ना उसको भी लोग कह देते हैं लेफ्टस्ट जिस अक्सर लोग मुझे कह देते हैं और मैं कहता हूँ मेरी तो बड़ी एक सेंट्रस पोजीशन थी उसके ऊपर अगर हाँ। चूंकि सारे उधर चले गए हाँ। तो हम ये नजर आ जाते हैं जबकि लेफ्ट एक बहुत बड़ी एक सियासत एक अपनी है वो है तो ये सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जी पंजाब अच्छा कौन गवर्न करता है ये बहस है होंगे हुँ। हुँ। वही सारे कानून होंगी वही सारी पॉलिसियाँ बेनिफिश वही शुगर मालकान फैसला उठाएंगे वही वीट का बुरान बार बार आएगा वही जो है कॉटन जो है ख़त्म तबाह की जाएगी वही हर सलाब के अंदर जो है गरीबों की ज़मीनें बर्बाद होंगी वडेरों की ज़मीनें बच जाएंगी वही बार बार जो है वो कराची में लूटमार होगी और कुछ नहीं होगा और वही जो है आप जी डी ए ले आएँ आप गुलाम अरबाब ले आएँ महर ले आएँ या ले आएँ सिंध के अंदर कराची के बाहर आप भूल जाएं कि कोई इंडस्ट्रियल जोन बनेगा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी कि कराची के बच्चे बोलें अरे डॉ छोड़ो हमने वहाँ पढ़ने जाना है और जैकाबाद का बच्चा बोले कि मुझे डॉ जाने की क्या ज़रूरत है मेरे तो सौ मीटर दूर घर के माशा इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी खुल गई है यह कोटा भी जो है अच्छा कोटे को बना दिया सिंधी महाजरश हो जिसमें सिंधी महाजिर से और महाजर सिंधी से नफरत कर रहा मेरा हक मार लिया आके सही है और सिंधी बोलता है भाई मेरी धरती है क्या मतलब मेरा हक मार लिया हमने तो मजा गा दी थी तब तुम्हारे बाप आए थे यहाँ पे तो है क्या कोटा कोटा ये है भाई चूंकि ना पीपल्स पार्टी ने सिंध बनाया ना एम क्यूम ने सिंध बनाया सिंध बनाया डी जे साइंस बनाने वालों ने सिंध बनाया तो कराची सॉरी कराची दोनों में से किसी ने नहीं, नहीं बनाया नहीं। कराची बनाया एन ए डी बनाने वालों ने कराची बनाया uh, ये लेडी डफ बनाने वालों ने कराची के जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो बड़ी चीज़ें हैं जो ये मार्केट प्लेस है ये ज़्यादातर तो आपकी बनिया कम्युनिटी थी जो माइग्रेट कर गई सही सही है फिर आपकी इस्माली कम्युनिटी है मेमन कम्युनिटी है बोरी कम्युनिटी है बड़ा कॉस्मोपोलिटन रहा है ना ट्रेडिंग हब रहा है और ट्रेडिंग हब के अंदर हमेशा हर किस्म के लोग सारे अच्छा अच्छा आते येस, हैं येस, येस। आपकी सिंधी कम्युनिटी है जो यहाँ पे रही और फिर वो कहने का मकसद है कि ये इंस्टीट्यूशन ये शहर बना हुआ था सही ठीक है और बाकी सिंध जो है चूंकि सारा बाकी सिंध कोस्टल नहीं है और पोर्ट सिटी नहीं है तो वो डेफिनेटली उस लेवल पे तरक्की नहीं की हुई थी नहीं बात नहीं तो सही। हमारी तो पॉलिटिकल पार्टीज को मिला ना एक बना बनाया पार्टीशन के बाद सिंध जिसमें हमें पता चला कि जी कराची बहुत डेवलप्ड है और कराची से जितना दूर जाएंगे डेवलपमेंट कम होती जाएगी जाएगीचुनेटली तो मगर हैं तो सारे पाकिस्तानी तो ये तो नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज कोई बंदा कराची में पैदा नहीं हुआ उसके खिलाफ ये मसला पैदा कर दिया जाए उसका कसूर क्यों तुम कराची में पैदा नहीं हुए तो तुम्हें स्कूल नहीं मिलेगा अच्छा तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी अच्छी mm -hmm. इसलिए कोटा लेके आए सही स्टॉप गैप अरेंजमेंट कि जब तक हम जैकवाबाद में वो तरक्की ना कर लें दादू में तरक्की ना कर लें शिकारपुर में ना कर लें सखर में ना कर लें सांगड़ में ना कर लें ठट्टा में ना कर लें थर में ना कर करें mm -hmm. जितनी कराची में है स्टॉप गैप अरेंजमेंट है फॉर द टाइम अब क्या है स्टॉप गैप नहीं है परमानेंट सोलूशन है अब यही है लड़वाते रहो ना आपस में दूसरे को इस पे लड़ो सवाल ये करना चाहिए दोनों को मिलके महाजर बच्चे को यह समझना चाहिए कि जैदा बै, हुआ जैको आबाद में से कसूर नहीं है नहीं, सही है और इसको यह करना चाहिए कि जो जयकोबाद का लड़का है उसको ये सवाल करना चाहिए कि भाई मेरे यहाँ कब डा बनेगा सही। मेरे यहाँ जिना अस्पताल के लेवल का बड़ा अस्पताल कब बनेगा मेरे यहाँ बड़ा आई पार्क कब बनेगा मेरे यहाँ बड़ा टेक्निकल इंडस्ट्री सेंटर कब बनेगा

मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप नदन सिंध के अंदर जो है वो जॉब और कराची की आवाम लाइन लगा के ना जा रही हो। नापर तो सारे एंग्रो ये आई बी के बच्चे नहीं ढारकी जाके बैठ जाते हैं ढारकी बहुत <laughs> ही जगह है बदीन में ब्रिटिश पेट्रोलियम अब अमेरिकन कंपनी ऑयल निकाल रही है, <laughs> है। नहीं, नहीं। वहाँ जाके लोग नहीं काम कर रहे हैं आपकी यही आई बल एम्स के बच्चे जाबस के ग्रेजुएट्स जाके कर रहे हैं इंडस्ट्रियल जगह जगह काम कर रहे हैं ये डेस्कोन इतनी बड़ी कंपनियाँ काम करती जाके फील्ड्स के ऊपर क्यों कर रहे हैं शेखपुरा में नस्लें की फैक्ट्री लगी हुई है सेंट्रल लाहौर में थोड़ी लगी हुई है नहीं आगे लगी हुई है जा रहे हैं ना तो क्यों नहीं जाएंगे बाकी सिंध के शहरों के अंदर अगर हम तरक्की नहीं देते डेफिनेटली जाएंगे एब्सोल्युटली जाएंगे इंशाल्लाह और क्यों ऐसा हो कि वहाँ के शहर माइग्रेंट इकॉनॉमी से चलें और होस्ट इकानी से ना चलें कि शहर चलता यूं है कि शहर के, के नौजवान दूसरे शहर जाके कमाते हैं शहर इसलिए नहीं चल रहा कि दूसरे शहरों से नौजवान यहाँ ला रहे हैं तो वहां पे ना सिर्फ लोकल ट्रेड इंप्रूव हो रहा है बट वहाँ पे भी पेट्रोल पंप बन रहे हैं शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं जब आवाम आपकी तरफ आती है तभी तो आप मॉल बनाते हैं ना तभी तो आप पंप बनाते हैं तभी तो आप होटल बनाते हैं आपकी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री खुल जाती है आपकी हॉस्पिटलिटी सेक्टर खुल जाता है आपका सर्विस सेक्टर खुल जाता है तभी तो आप लॉ फर्म बनाते हैं कॉर्पोट कमर्शियल जो कि अब यहाँ पे पचास साठ कंपनियां रिस्टर्व हो गई है तो अब यहाँ पे लॉके तो, तो जब आप होस्ट इकॉनोमी की तरफ जाते हैं तो इमेजिन करें कि कितनी तरीके से बूमिंग आती है मगर हम माइग्रेंट में हैं इन सारे शहरों से ला ला के इधर ला के भेजो और ये जाती इन सारे शहरों के साथ छोड़े कराची के साथ जो जाती है जो भाई कराची में फिर भी आज आ खान है साउथ सिटी है जनाऐल है जैकोबाद के साथ जाती हुई गिनता है कि कुछ नहीं है वहाँ पे आज भी नहीं गिनता है नहीं गिनता बट माई क्वेश्चन अगेन वुड बी कि इट्स ओनली बिन सिक्सटी और मतलब एक छोटा सा टाइम हुआ है सिंस

शहर पुराना था तो शहर तो हैदराबाद ही पुराना है, है आज की है <laughs> खैरपुर और पुराना है मेरे ख्याल में तो फैसलाबाद अगर आप देख लीजिए यार वहाँ पे बनाए गए हैं ये अलग अलग जोन्स काम करने के लिए इंडस्ट्री के लिए इवन मुल्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे आप आप मुझे छोड़ें बलोचिस्तान में तो कोई कोटा नौकरी के लिए नहीं जाता वो इतना पास पासमंदा है आप पेशावर फिर भी चले जाओगे बलोचिस्तान में तो कोई कोटा नहीं जाएगा नौकरी में कोटा में कंटोनमेंट के आगे कुछ है ही नहीं सही ना देखने को ना जीने को ना रहने को ना कमाने को ना खाने को तो आज आप बना रहे हो ना गवादर दुनिया के दूसरे कोने में टिप ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा आगे तो आगे ईरान है और क्या बता रहे हो कि पूरी दुनिया यहाँ पे कमाने आएगी और बन रहा है ना गवादर हाँ। और जब गवादर बनने की बात शुरू हुई थी तो ये मुशरफ के एर से सुना ना अपने गवादर का नाम अभी तक बीस साल ही हुए हैं टोटल सही है और ये और ये बीस साल उस इकॉनमी की है जिसमें वॉरन टेरा और ये सारी चीजें थी हाँ थी हाँ. तो शुरू के वो गोल्डन पीरियड लेना जब माशाल्लाह से अयूब को बड़ा प्रेसिडेंशियल कॉरिडोर मिलता था अमेरिका में और बड़ी रैलियाँ होती थी तो उस वक्त 20 साल अगर लगाते तो बहुत कुछ बन जाता है ना सही बात है मगर लगाने नहीं चाहते करना नहीं चाहते बुनियादी तौर पे फुकदान है पॉलिटिकल विल का प्रायोरिटीज हैं कि मुझे कैसे याद रखा जाएगा और वो सारा का सारा बयानियाँ जो है वो लोगों के अंधविश्वास पे ब्लाइंड फेथ पे बेस किया जाए कि उनकी जहन साजी कर दी जाए कि वो बस सुनने को ही ना तैयार हो बुराई भाई बहुत अच्छा मेरा लीडर बहुत अच्छा है और इसी प्रॉपरगेंडे पे कायम रह के चले जाएं चूँकि ख़ुद इनको ये एहसास नहीं कि अपने आप से भी पूछो कि क्या अचीव किया है और अगर ये इस मुखालते में कि जी हमने तो बड़े तीर मार लिए हैं तो भाई मैं फिर वही एग्ज़ाम्पल दूँगा जो आर्फाबादी ने मुझे आगे कहा था ना अरे आप मुझे नहीं जानते बड़ा मसला नहीं मैं आपको जानती हूँ सही 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 है ये इन से भरे हुए लोग हैं absolutely but like us as citizens you and me and everyone else and i understand we are privileged and a lot of people aren't a second time loge red bull chai my question is the, these are all as you've said these are all things even if i want, I, if, even if I don't call them facts these are all theories or facts about hamari uh, present situation

एक हफ़्ता जो है वो सिर्फ काली कॉफी पियेंगे और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे तो मसल से पहले आपका वाटर वेट तो गिर जाएगा स्किन पतली हो जाएगी मगर दो ग्लास पानी पीने के बाद दोबारा ब्लोटिंग भी हो जाएगी सही तो जो जल्दी के कामों के अंदर मसला ये होता है एवोल्यूशन जो होती है स्लोली ग्रेजुअली अगर आप सस्टेनेबल डाइट के साथ ना वेट लूज़ करेंगे तो इट वो बढ़ेगा भी बड़े आराम से ऐसे आ, इस हवाले से जो सियासी अमल होता है या चीज़ों का होता है कि आप ये सोच के मत चलें कि चूंकि मुझे यह ज़िंदगी मिली है तो जो इनकलाब आना है मेरी ज़िंदगी में ही आना है हो सकता है भाई आपका किरदार इतना हो कि ओलंपिक शुरू होने से पहले पूरे दुनिया के अंदर ओलंपिक की टॉर्च घुमाई गई कोई पाँच हज़ार लोगों ने हिस्सा लिया और उन पाँच हज़ार में से आप एक थे और आप वो नहीं थे जिसने एक्चुअली जाके होस्ट नेशन में वो तीर मार के ओलंपिक की टॉर्च ऑन की आ, से, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए वो आपके हाथ में भी आनी थी तो मुतमिन है यार मेरा इतना ही रोल था हर बंदा तो शरवानी पहन के पाँच सौ के नोट पर नजर नहीं आएगा ना बानिए पाकिस्तान एक ही होगा ना तब आपने कहा यार पाकिस्तान का तो एक ही था चलो ऐसा करते नया पाकिस्तान मना लेते

हमने कुरबानियाँ दी हमने ये सफ़र किया हमने फलाँ किया हमने ढमका किया या देखिए अगर आपके सीने में दर्द है तो आपको इसी बात पे कल भी सुकून है कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं ये तकलीफ है तो आप तब गिनवाएंगे जब आपको रिग्रेट हो सही। और अगर आपको सियासत करने में रिग्रेट है तो खुदा के वास्ते सियासत ना कीजिए अदरवाइज <laughs> सही।, सही, 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 सही एक बुनियादी बात कर रहा हूँ जिसको पर्सनली लेनी है ले मगर हम बाईस करोड़ जिंदगी की बात कर रहे हैं इंसान की जिंदगी की हरमत के आगे ना कि कोई वैली चीज़ मैटर नहीं करती उस गो टेक एन फैस उस टेक एन ऑफेंस आज दवाइयों की बात बिल देखिए गंदुम का बिल देखिए चीनी के बिल देखें बिजली के बिल देखें कौन सी चीज़ पेट्रोल का बिल देखें जो नहीं पड़ रही है इस हुकूमत में जब आटे का बुरान आया ना तो सियासत गरीब के मुँह के नवाले तक पहुँच गई जबकि जुमले अदा किए गए कि दो के बजाय एक रोटी और फिर एक रोटी की भी ग्रामेज कम कर लें तो ये लोग जो मुल्क चलाते हैं अपने आप को अरब अख्तियार कहते हैं तब्दीली लाने वाले कहते हैं ये गरीब के मुंह के नवाले को गिन के रखे सियासत कर रहे थे इससे ज़्यादा क्या पासमंदगी होती है भाई सही। को गिरने का और लेवल है कोई कुआवर खाई है कोई इससे भी चुल्लू से कम लेवल है डूब मरने के लिए अब ये बातें आपको अगर रि होती इंटेंसिटी तो क्या इंसान कहे कि क्या एथिक्स और क्या वैल्यू की बात हो रही है आप मुझे बात कहे सब छोड़ दें सब छोड़ दें आप बोले जी नया सा नए लोग हैं पहली बार आए हैं यार एक काम तो जानते थे ना अस्पताल कैसे बनते हैं ये आ, काम जानते थे यस और मैं कह रहा क्यों रहा हूँ कि कैसे बनते थे इसका मतलब मैं एडमिट कर रहा हूँ कि जो बनाया है, वो अच्छा बनाया वरना मैं एक्जाम्पल नहीं देता मैं तो कहता ये तो वो भी नहीं जानते ठीक है तो मुझे ये पता था यार कि दो चीज़ों से लोगों को उम्मीद थी एक लोगों को उम्मीद थी कि ये आएंगे ना तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में रेवोल्यूशन आ जाएगा चूँकि खिलाड़ी बंदा एक एथलीट बंदा आया है तो ही वुड बी एबल टू वॉक इन द शूज ऑफ स्ट्रगलिंग एथलीट्स नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम्स आर नो एग्जैक्टली के टैलेंट के लिए चाहिए तो कम से कम पाकिस्तान खे खेल के हवाले से हर शुभे में इन्होंने आके डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी जो बेचारा कुछ कमा रहा था क्योंकि हर बंदा तो नेशनल टीम में नहीं जाता नहीं। मगर जो नेशनल टीम में जाते हैं ना बाबर आजम उसको उन 500 लोगों की जरूरत होती है जो नेशनल टीम में नहीं जाते मगर उसको बॉलिंग करा रहे होते हैं उन मैचेस में डिपार्टमेंटल क्रिकेट की सही आपने उन सबको घर भेज दिया अब आप तुक्के के अंदर ना टिकटॉक के ऊपर के लंबी जंप कौन लगा रहा है इस तरह से लॉन्ग जंप सिलेक्शन हो रही है टीम की तो टिकटॉक भी देखिएगा कौन अच्छी बॉलिंग करा रहा है कौन अच्छी बैटिंग करा रहा है सिलेक्शन कीजिएगा टीम की वो भी लॉन्ग जंप वाले को बेचारे को टिकटॉक बना लिया तो वो नजर में आ गया मगर हर लॉन्ग जम्प वाला तो वायरल नहीं जाएगा ना नहीं, नहीं। पहली बात तो हमारे है नहीं स्काउटिंग के दूसरी चीज लोगों को थी तीन शौकत खानम दो बन गए थे तीसरे का सता हो गया था कराची हस्पता के निजाम मगर मुझे उसके लिए 2018 के इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे केपी के छह साल ने बता दिया मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसको आप चेक करा लीजिए रिटर्न चीज है फैक्ट से बात कर रहा हूं चार अरब रुपए में बना है पेशावर का शौकत खानम सही फ्रॉम पेन टू पियानो जमीन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सही कि बस डॉक्टर ने जाने और ऑपरेशन शुरू कर देना सही चार अरब रुपए में सही सब कुछ अरेंज हुआ तीन बड़े अस्पताल हैं पेशावर में लीडी रीडिंग हयात और खैबर टीचिंग अस्पताल इन तीनों को सिर्फ मेंटेन करने का जो बजट है सिर्फ मेंटेन करने का साल का सात अरब रुपया है इन तीनों अस्पतालों के अंदर जहां से बनाने का तो बहुत बड़ी कॉस्ट होती है ना जमीन एक्वायरिंग से मेंटेन करने की इन तीनों अस्पतालों में से पिछले अब आठ साल होने वाले या वा आठवां साल लगा है उस जगह पे ना पीटीआई का एक अस्पताल के एक फ्लोर के एक वार्ड में जाके आप सेल्फी लें और लोग बोलें अरे काजी तू शौकत थाने में खड़ा हुआ है वो आपको बैकग्राउंड बता रहा होगा ये सरकारी अस्पताल है जो एक फ्लोर का एक वार्ड नहीं रेवोल्यूशनइज कर सके ना

बिलियन ट्री सोनामी उसकी करप्शन स्टे ले लो बंद करा दो बीआरटी उसे बंद करा दो एहतसाब कमीशन बनाया सवा अरब रुपया आपको पता है तनख्वाह देता रहा है तीन साल तक एहतसाब कमीशन डिफंक्ट रहा है बनने के साथ ही एक एहतसाब कमीशन बनाता कि दफा करो नैब पी टी आई रहेगी सही निज़ाम एहतसाब का तो उन्होंने अपना एहतसाब कमीशन बनाया सवा साढ़े तीन साल वो चला जिसके पहले छः महीने में उसका चेयर हटा दिया तो वो डिफंक्ट हो गया मगर तनख्वाह जाती रही सवा अरब रुपया टैक्स पेस का गया उसमें निकला उसमें एक रुपये की रिकवरी नहीं ये भी आपके सामने हुआ है ये ब्लेंडर्स आपके सामने हुए हैं अच्छा ये मैं क्यों गिनवा रहा हूँ चूँकि उन्होंने ना दूसरी साइड जो है उन्होंने कभी अपने आप को इस मेंटल पर रखा ही नहीं सही हम जैसा कोई नहीं हमसे पारसा कोई नहीं हमसे पाकिजा कोई नहीं हमसे नॉन करप्ट कोई नहीं सही उन्होंने तो ये क्लेम्स ही नहीं किए ना नहीं मैं और बात इतनी इसी है कि भाई हमने तो उनके वोटर भी नहीं है मैंने सबके खिलाफ़ इलेक्शन लड़ा मगर मैं बात करता हूँ अगर आप देखें मेरे लिए पी नॉन ईशू था पिछले पाँच साल मेरी जो तनकीदें हैं मेरी जो ऑनलाइन बहसें हैं जिस पर इवन मुझे थ्रेड दी गई है वो जो बंदा मुझे थ्रेड दे रहा है ऑनलाइन वो मुझे कोई पी का बंदा नहीं दे रहा था वो राना सनोल्ला दे रहा था जब नून लीज हुकूमत थी सही है कराची में जितने मेरे मुजाहरे हुए हैं जिसकी वजह से अरेस्ट हुआ हूँ तो मैं सी हाउस के सामने से अरेस्ट हुआ हूँ कायम अली शाह साहब की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करते हुए उनके खिलाफ अगर अस्पताल में हीट वेवे मैंने कन्फ्रंट किया था, तो मैंने सी सिंध को किया था जो जिस वक्त जिस इशू पर पावर पे है ना मैं उस पर बात करूँगा आज पीटीआई की बात इसलिए करता हूं जो कि उनके पास पावर है ये अपोजिशन में होते मेरा कंसर्न नहीं था ने? मैं नून लीग की तरफ ही बात कर रहा होता आपको पता है कि मैं कराची से उठ के गया था चौधरी निसार साहब की एक तकरीर के ऊपर जो उन्होंने पार्लियामेंट में दे दी थी जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट में एक तकरीर की थी और एक मिस स्टेटमेंट दे दी थी अबाउट क्रिमिनल केस रिगार्डिंग लाल मस्जिद मैं कराची से उठ के गया हूँ इस्लामाबाद मैंने पंद्रह दिन वहाँ पर लगाए हैं थानों के चक्कर काटे सहाफीतीदारों के चक्कर काटे सारी रिपोर्ट्स इकट्ठे किं सत्तर पेज का डोजियर बनाया पूरे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को और सेनेटर्स को उनके घरों के एड्रेस पे टीसीएस किया दोस्तों से चंदा इकट्ठा करके जिसके ऊपर चौधरी निसार साहब की एक्सप्लेनेशन कॉल होगी सेनेट पे कि आप फ्लोर पे झूठ बोल के गए हैं आपके ख़िलाफ़ प्रिवलेज मोशन क्यों ना मूव किया जाए ऐसा टफ़ टाइम तो मैंने किसी पीटीए वाले को आज तक नहीं दिया जो मुझे कहते हैं आप बायस हैं नहीं और आप उस पार्टी के सपोर्टर हैं तो उस वक्त चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे मगर वो पावर में थे ना तो उनसे एहतसाब और सवाल होता था सही। आज ये पावर में, है, में इस हैं इसलिए मेरे ख्याल में गुफ्तु का ज्यादा हिस्सा इन पर चला जाता है और कोई वजह नहीं है सही। 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 नहीं आई अंडरस्टैंड दैट बट अगेन देखो ना नाउ वी वी स्पोकन एट लेंथ अबाउट हाउ It's not working. Whatever the system of government, whatever per person comes in administrative administration, unka jo hai, recording <laughs> Thank you. So, this is an administration issue, administrative issue, and those are all right. How do we कम आउट ऑफ दिस बिकॉज ये आपने बोला यू नो दस इंटेलैक्चुअल हब यह है ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है अब वो हाँ स्टूडेंट यूनियन दसवें भी स्टार्ट दसवेंट ठीक है ठीक है माहौल बना दीजिए तो फूल खुद ही उसमें खिलना शुरू हो जाएंगे मुझे कल बुलाया है लम्ब में इंशाला एक मिनट क्या लम्ब वो वाला हाँ लोहर वाला कैसे जाओगे आप नहीं वो जूम शूम पे अच्छा 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 आजकल तो जूम सुम पे सब कुछ अच्छा, चल रहा है एमीज़ भी हो गए जूम पे तो सही 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 तो उन्होंने बुलाया है कि वो जो अक्सर चार पाँच साल से बुलाते है रहते हैं कि मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंस में कि आप आएँ और अपनी स्टोरी बताएं लोगों को इंस्पायर करें मैंने कहा भाई मेरी स्टोरी जो है ना यूट नहीं Uh, मैं तो वेटिंग लिस्ट पे लम्स में था फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मैं तो जब लम्स पहली बार जाता हूँ जब भी जाता हूँ मैं भी बताता हूँ कि आज लेक्चर के लिए बुला रहे हैं पहले एडमिशन नहीं देते थे <laughs> मेरे लिए बड़ा एक मोमेंट ऑफ प्राइड होता है yes, uh, तो पर्सनल uh, तो ये मैंने उसे कहा यार कि मेरी स्टोरी के अंदर आपको इमोशनल मवाद मिल जाएगा uh, जो कि है माई जर्नी रिलेटेबिलिटी कहीं नहीं मिलेगी उसकी वजह यह है हाँ यू कैन रिलेट टू दंडीशन श्योर बट यू कैन नॉट रिल चूज उसकी वजह ये थी कि बहुत ही मुश्किल और लाइफ थ्रेटनिंग सरकम स्टांसेस से गुजर के आई हैडी वॉन्ट टू गो डाउन दैट रोड एंड इट इज फेयर हर बंदे को नहीं बनना होता से पैस हलार या फौजी आगे जाके जी लड़ो कटमो हमारे यहाँ डिमोनाइज है पॉलिटिक्स हमें उसको नॉर्मलाइज करना है हमें सियासी अमल में हिस्सा डालने को आसान करना है हमें आसान करना है एक एफ़ आई आर का कटना थाने में हमें आसान करना है कि एप्लीकेशन का मूव होना एक गवर्नमेंट के दायरे में हमें आसान करना है कि हिस्सेदारी डल सके कोई स्ट्रीट एजिटेशन या प्रोटेस्ट या प्रेशर ग्रुप के ज़रिए कौमी फैसलों के अंदर जो पार्लियामेंट में होते हैं उसके लिए फोरम्स बनाए जाएँ उसका बेहतरीन फोरम जो है वो लोकल गवर्नमेंट से पहले आपकी स्टूडेंट यूनियन है तलब इम को सत्रह सोलह साल की उम्र में ये शुरू दो कि अपने हक के लिए और अपने हक़ के साथ अपने तमाम जो तलबा पढ़ रहे हैंगे तुम्हारा पाकिस्तान है ये तुम्हारा कराची यूनिवर्सिटी तुम्हारा छोटा सा पाकिस्तान है सही तुम्हारी एन तुम्हारा छोटा सा पाकिस्तान इसमें तुम्हें सिंधी पंजाबी महाज मिल रहे हैं सही ठीक है इनको और इनकी जो मसायल हैं ना वो इनके डॉम के हैं इनकी क्लासों के हैं इनकी फीसों के हैं हरासमेंट के हैं पर्चे लीक होने के हैं इम्तहान वक्त ना होने के हैं रिजल्ट ना आने के हैं नए आर एन डी से रिलेटेड चीज़ें कोर्सेज ना आने के हैं इक्वमेंट फैसिलिटी ना आने के हैं uh, इनकी ट्र इनपे ट्रेनिंग लो इन पर करो जब इन पर ट्रेनिंग और अबूर आ जाते हैं ना तो आप देखेंगे दुनिया की तारीख बताती है कि फिर यही स्टूडेंट निकल के एंटी वॉर मूवमेंट भी लीड कर रहा था अमेरिका में ऐसे ऐसे ही मुल्क जंग और फॉरेन पॉलिसी पे असर असरअंदाज हो रहा था ऑसडेशन के कैसे चले यही निकल के दुनिया में लेबर राइट्स मूवमेंट के लिए खड़ा हो गया

सही बात है, तो है क्यों सही बात है क्योंकि जब उस माशरे को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना डेमोक्रेट्स पकड़ के और अपनी करप्शन को सिर्फ अपनी लफाजी से छुपाते हैं जी हाँ। कि हम बातें अच्छी करते हैं वैसे हम यमन में जितने भी बम गिराए हाँ। तो ये पाकिस्तान में ड्रोन गिराए हैं हाँ। तो हिपोक्रेसी का तो कोई इलाज नहीं है ना नहीं नहीं बट ये आपको मौाक़ पैदा करने होंगे और अंदाजा कीजिए कि कराची में एम बन जाता है पंद्रह हजार वोट पर पता आपको किसी भी हल्के में एवरेज अगर आप ना भी लें तीस बीस पंद्रह सोलह भी आपने लिए ना तो चांसेस हजार आप हल्का जीत जाएंगे करांची यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट बॉडी निकालिए इससे ज्यादा वोट चाहिए होंगे यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए अगर पूरी पाप ने स्टूडेंट बॉडी फाल कर दी तो फिर वहां से जो यूथ लीडर निकलेगा ना उसका ये स्टेटस नहीं होगा कि बेटा ट्विटर कर लेते हो तो तुम्हारी सोशल मीडिया टीम में आ जाओ सही पहले होता था कि झंडे लगा लेते हो और चौकिंग कर लेते हो पुरानी सियासत में अब की सियासत में होता है कि ट्रेंड बना लेते हो ट्विटर के ऊपर सही तो वो होगा कि भाई आप बोलोगे एम पी साहब हमने पंद्रह हज़ार लिए थे मैं बीस हजार की नुमाइंदगी करता हूँ तो वो युवा नेता होगा वो यूथ लीडर होगा वो एक नौजवान सियासतदान होगा असल महीनों में इसको ये अबूर भी और कमांड भी हासिल होगा और वो उस शहर के अंदर एक शहर की जो सियासत है एम पी एम एन ए की उसके अलावा भी शहर की पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रहा होगा स्टूडेंट्स पावर के जरिए सही सही हज़ारों लाखों में इस शहर में देखिए जो इस वक्त मियाँ साहब के बाद पूरा का पूरा पॉपुलर वोट मरियम के पास गया है और अब जो बेनज़ीर के पास बीच में जो था जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी के पास आ रहा है जिस दिन आपने बिलावल को नैब बुलाया ना और और जेल की तरफ लेके गए वो और अपनी पोजीशन फोर्टिफाई कर लेगा पार्टी में और मरीम ने भी नवाशी शरीफ की बेटी के साथ कब मगर वो तीन चार महीने उन्होंने गुजारे और अपनी वालदे की अफ़ात के टाइम पे वो नहीं थी वो क्यों होता है मैं सिंपल सी बात है फ़र्ज करें ये कमरा है और आपने यहाँ पे मीटिंग कॉल की है सरी? और सडनली दरवाज़ा खुलता है और कहते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना वो आपकी तरफ़ देखेंगे काजी What are we doing here? Yes, yes. आपनेीटिंग कॉल की थी yes. तो आप जाके जवाब दें हम किन साब से बात करें जब भी एक्सटर्नल कोई अटैक होता है ना तो जो करंट लीडरशिप होती है पहली गोली तो बेनजरी को लगेगी इन्हीं को लीड करने तो, जलावतन भी ये होंगी इन्हीं को लीड करने तो। सही। बच्चे भी इन्ही के लीड करने तो। सही है पहला डंडा उन्हीं को पड़ेगा ना जब आप ये डंडे शंडे मारना छोड़ देंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना काम करना शुरू करेंगे तब ये बहस शुरू होगा कि मियाँ साहब ऐ की कर रहे हो तो फिर मियाँ साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई आप नहीं थे जेल में जब आपकी खानदान के अंदर डेथ हुई है मैं था जो कि एक पॉइंट है कि फिर भाई जब ये चलता है ना तो चलता भी फिर हम पे है तो इसलिए हम लीड में है अभी तो गुफ्तुगु इससे आगे नहीं जाती थी ठीक ना सेक्रीफाइसिस से तो गुफ्तु आगे ही नहीं जा रही पॉलिटिकल एवल्यूशन की बिकॉज देर हैज बीन सो मच इंटरवेंशन एंड जेन इंटरवेंशन एंड लॉस ऑफ लाइफ से बड़ा सैक्रीफाइस क्या होता है बेनजी साहबा का इंतकाल हुआ नोइंग ऑल द डेंजर्स लाइफ डिस्पाइट ओल्ड पॉलिटिक्स आई विद बट एक पोलिटिकल पॉइंट उसने क्या क्या सिंपल सा क्या फ़र्क किया जब मौत की सजा सुनाने वाले थे भुट्टो साहब ने यह कहा मैं जैसा भी था जितना भी गुरा था कुछ भी था मैंने एक मौका भी अख्तियार किया है मैं मैं यू टर्न नहीं ले रहा

पहले चार पाँच महीने बंदा बेल ही अप्लाई नहीं कर रहा था कह रहा था आई हेड मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू बाई वॉट यू डू टू मी मैं बेल ही नहीं फाइल करता जाओ रखो मुझे जेल में फेस करो प्रेशर पोलिटिकल बंदा है ना क्लियर इंटेग्रिटी वाला है उसने स्टैंड लिया है सही? बट जितना सब्र और हिम्मत शाह खान अभी साहब में है नवाशी साहब में नहीं है ना? अगर मैं दो इंडिविजुअल्स का एक मुकाबला करूँ हाँ ना इन टर्म्स ऑफ दैट बट एक पॉपुलर सिंपत्ति वोट एक नेशनल लीडर उनकी पार्टी के है वो उनकी अपनी पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन है यहाँ पे आ, आपको ये बात तय करनी पड़ेगी भाई कि जब आप ये इंटरफेरेंस बंद कर देंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ क्रिटिकल यस और फिर एक बहस होगी इस बारे में कि आप ही क्यों हम क्यों नहीं फिर ये बहस हो सकेगी कि जी ये आपकी औलाद को मिलेगा या ये जो दूसरे पार्टी वर्कर हैं चालीस साल से जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं इनको मिलेगा ये प्रोसेस और ये फेस तभी आएगा ना भाई नहीं? इसको आने दीजिए मगर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे क्योंकि देखे मैंने दुनिया नहीं देखी हुई नहीं करें। मैं तैंतीस साल मेरी उम्र है तो मैंने दुनिया तो नहीं घूमी भी नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा बहुत अपने तजुर्बे से एक अपना मशवरा दे सकता चूँकि आपने मुझसे मांगा हाँ। तो मेरा सोलूशन कोई डिवाइन सोल्यूशन तो है नहीं नहीं करेगा अब जहाँ इंडिया में इंटरवेंशन नहीं भी हुई वहाँ पूरी कांग्रेस गांधी खानदान की गुलाम है सही वो नहीं एवोल्यूशन लेके आ सके वो नहीं चेंज कर सके अपना पार्टी सेटअप से। और वो सेंट्रल पार्टी उधर ही रही वो एक और बात है कि आप इसलिए भी कम्पीट कंप, नहीं कर कम्पेयर कर सकते आ, 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 इंडियन और पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी कभी भी ये तो पहली बार हुआ है कि बीजेपी ऑन बी इट्स ओन आ गई है खुदरू ही नहीं थी अलायंस की वरना पाक इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी बगैर अलायंस के पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बनती हैं आई थिंक एक बार जब पहले बनी थी तो वो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब राजीव गांधी को सिंपथी वोट मिला था मेरे ख्याल में तब एक बनी थी अदरवाइज ये दो तीन बड़े सूबों से हट के कांग्रेस का तो वजूद इस तरह से नहीं है सही। या बीजेपी का भी वजूद नहीं है ये रिलाई ही स्मॉल पार्टी के पे करते हैं जो रीजनल पार्टीज होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है जो कि इतने सारे सूबे हैं ना या इट्स ह्यूज और हर जगह जो है वो हर सूबे के अंदर एक छोटा रीजनल इशू भी होता है लैंग्वेज इशू भी होता है लैंड इशू भी होता है कोई अपनी मखसूस पॉलिटिक्स होती है रिलीज़स इशू भी होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ, ये बीफ के इशू के ऊपर गाऊ माता के नाम पे यूपी में तो हिंदू वोट ले सकते हैं केरला mm -hmm. में आपको इस इशू कोई वोट ही नहीं देगा नथिंग टू डू दे यस तो, yes, तो, yes, तो yes. ये डिफरेंस चेंज हो जाते हैं तो वो एक पार्टी वैसे ही नहीं पेनेटेड कर पाती दूसरे रीजन को जो कि वो एक मंजन जो बेच रहे होते हैं वो बिकता नहीं मंशूर mm -hmm. का कहीं और बट वहाँ पर भी ये रही है फॉल्ट जो कि चेंज होने की जरूरत है तो ये फॉरन बाहर की इंटरवेंशन जो है ये आ, और स्टूडेंट यूनियन जो है ये हमारी असल जो स्टेटस को है उसके खिलाफ खतरा है इसलिए इसको ये आगे नहीं आने देते सही और ये अगर आया तो मुझ जैसे लोग रिटेंडेंट हो जाएंगे और जब मुझ जैसे लोग रिटेंडेंट हो जाएंगे mm -hmm. तो मैं बहुत खुश हूँ येस आई थिंक दैट्स द गोल आई थिंक समरी स्मार्ट वन सेट द गो इज़ टू बिकम ऑप्सिलीट योर सेल्फ दू बम ऑफसेलीट दू गो जब किया ना ये नैप वैप का दौर था एपीएस का वाकया हुआ था बड़े कश्मकश थी बैंड आउटफिट आम थी बड़े अटैक्स वगैरह हो रहे थे तो मैं बहुत सादी सी बात करता था और लोग कहते थे यार आप इतना खुल के सच कैसे बोलते थे मैंने कहा सन्नाटे में कोई छीक मारे ना तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है सही, सही, सही मैं एक बहुत मामूली सी बात कर रहा हूँ मगर चूँकि सन्नाटा है तो आपको लग रहा है कि ओ भाई क्या बोल क्या आप? कर दिया आपने सही। दस लोग अब ए पी एस के बाद जब एक चेंज हुआ नैरेटिव और एन एप आया तो मैंने देखा कि वही चैनल जो से मुझे सेंसर करते थे वो मुझे स्पेशली बुला बुला के कह रहे थे कि सर ये तो तंजीम का नाम लेना बात करते हैं इस पर कि वहाँ से कह दिया स्टेटस कौन है होने कि हाँ आप बात करें आप नैरेटिव बिल्डिंग करें तो ये कुछ भी नहीं है मेरा एम ही है कि हम जो है वो

And it's been quite uh, insightful and scary at times because you do talk about some things that people don't talk about. Um, I would ask that you come again sometime. Insha'Allah. Any any f closing remarks? Closing. If I get you, then we'll come again. No, insha'Allah. It's very <laughs> <hain. laughs> good. <laughs> <laughs> Quality control is the same in both cups. Standard of you must, flavor. Absolutely, you must. I mean, uh -huh.